ओम बाबा पानवदेव जी महाराज की जो परमस बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय। ओम बापू कल्याण दास जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू हेमराज जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू दया किशन जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही। ओम बापू सुभाष जी महाराज आपकी सदा ही जय। सब संतन की जय। परमस बापू ठाकुर जी महाराज की सुगंधित वाटिका में सभी पुष्प सभी संत जनों को कोटि कोटि प्रणाम। सभी दरबारों पे सुशोभित संत जन सबको कोटि कोटि प्रणाम। सबकी प्रभु दीर्घायु करना, सबको स्वस्थ रखना महाराज। सबका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे महाराज, सारी संगत पे बना रहे। और आज बापू परम पूजने बापू सुभाष जी महाराज का आज पुण्य बरसी, पहली बरसी, उसका सत्संग हम सा उनको याद करके उनकी जो रहमत के किस्से हैं उनको याद करेंगे, उनके साथ बिताए हुए सुंदर पल याद करेंगे। तो बहुत जल्दी हमें छोड़ के चले गए। अब माता जी सुशोभित हैं दरबार सहारनपुर पे, बड़ा आनंद मान रही है संगत। तो ऐसे इनको स्वस्थ रखना महाराज, लंबी उम्र करना और इनकी कृपा हम सब पे बनी रहे। जय जयकार करते रहे बापू जी की। हमारे सुभाष जी महाराज आपके चरणों में प्रणाम करते हुए दो लाइन पढ़ेंगे। गुरा दे आराम नावे जिंद बाजो, गुरा दे आराम नावे जिंद, इको गुरा दा विछोड़ा ही सतावे जिंद, इको गुरा दा विछोड़ा ही सतावे जिंद। बाजो गुरां दे आराम नावे जिंद। ओम बापू सुभाष जी महाराज, वी लव यू, वी मिस यू। और हम सरोज जी नु गुजारिश करते हैं के महाराज जी नु चरणा करदा भाव रखेंगे। जय बापू जी, सारी संगत नु बापू जी दी जय जयकार, सारी संगत नु सत करता। फिर पहले देखो बापू जी ने। हाँ जी, ओम बापू नंदा चोर वालिया की सदा की जय। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हूँ। मेरे कर्मावन ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुईयां। मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुईयां। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाना पा जांदा। जो दर तेरे ते आ जांदा, ओ असल खजाने पा जांदा। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई हुई आ। मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं भी दर ते आस लगाई हुई आ। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आ।
उसी कारण हर कहंदे ओ दुबियां नू बन्ने लौंदे ओ उसी तारन हार कहंदे ओ दुबियां नू बन्ने लौंदे ओ मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुखियारन आई हूँ मेरा भी बेड़ा पार करो मैं भी दुखियारन आई हूँ मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई हूँ सब संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए सब संगी साथी छोड़ गए सब रिश्ते नाते तोड़ गए तू भी कितरे ठुकराई ना ये सोच के मैं घबराई हुई ना तू भी कितरे ठुकराई ना ये सोच के मैं घबराई हुई ना मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो मैं दर तेरे ते आई मेरे कर्मा वल ना वेखियो जी मैं कर्मा तो शर्माई हूँ मैं कर्मा तो शर्माई हूँ मैं कर्मा तो शर्माई हूँ ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदा ही जय हाँ जी बहुत सुंदर हाजिर ज्योति जी नीलम जी आप लगाना तो एक एक मिनट रिकॉर्डिंग ऑफ करना की सदाई ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदाई स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदाई जय मुख दुनिया मोड़ लवे सतगुरु मुखड़ा ना मोड़ी मुख दुनिया मोड़ लवे सतगुरु तू मुखड़ा ना तू मोड़ी मेरी लगी प्रीति नू सतगुरु तू है मेना तोड़ी मेरी लगी प्रीति नू सतगुरु तू है मेना तोड़ी तेरे कारण बापू प्यारे छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे तेरे कारण सतगुरु प्यारे छोड़ चुकी मैं रिश्ते सारे मैं तेरा पल्ला पड़ आए सतगुरु अदरुच कारण छोड़ी मैं तेरा पल्ला फड़ आए सतगुरु अदरुच कारण छोड़ी सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी मेरी लगी प्रीति नू सतगुरु तू है मेना तोड़ी मेरी लगी प्रीति नू सतगुरु तू है मेना तोड़ी दुखी फिर कलम करी लोकी मैनू आखण चली दुखी फिरती कलम कली लोकी आख मैनू आखण चली मैं तेरे दर ते आई हां मेनू दर तो ना खाली मोड़ी मैं तेरे दर ते आई हां मैनू दर तो ना खाली मोड़ी सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी मेरी लगी प्रीति नू सतगुरु एवें तू ना तोड़ी मुख मोड़ लवे दुनिया तू मुखड़ा ना मोड़ी मेरी लगी प्रीति नू सतगुरु तू है मेना तोड़ी लोकी मैनू मारन लगे अपने मेरे होए बगाने लोकी मैनू मारन लगे अपने मेरे होए बुलाने मैं बिनती करती हां सतगुरु तू रिश्ता ना तोड़ी
मैं विनती करती हाँ सतगुरु तू रिश्ता न तोड़ी मेरी लगी प्रीती सतगुरु तू है मैं ना तोड़ी मुख दुनिया मोड़ लवे सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी मेरी लगी प्रीती मेरे बापू तू है मैं ना तोड़ी मुख दुनिया मोड़ लवे सतगुरु तू मुखड़ा ना मोड़ी मेरी लगी प्रीती सतगुरु तू है मैं ना तोड़ी बापू नंदा चरवारे आपकी सदाई जय हाँ जी गुलाटी साहब जी मैं बोल चुका ऑलरेडी थैंक यू जी ज्योति जी से बोलो ज्योति सरोज आंटी जी हाँ जी ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा ही जय वे तू सतगुरु सतगुरु बोल गुरु जी तेनु पार तार देंगे वे तू सतगुरु सतगुरु बोल गुरु जी तेनु पार देंगे वे तू मिठड़ा मिठड़ा बोल गुरु जी तेनु पार देंगे वे तू मिठड़ा मिठड़ा बोल गुरु जी तेनु तार देंगे गुरु जी तेनु तार देंगे वे तू सतगुरु सतगुरु बोल गुरु जी तेनु तार देंगे सतगुरु शब्द बड़ा ही रसीला सतगुरु शब्द बड़ा ही रसीला सतगुरु प्यारे दियजब है लीला सतगुरु प्यारे दियजब है लीला वे तू मुख विच मिश्री गोल गुरु जी तेनु तार देंगे वे तू मुख विच मिश्री गोल गुरु जी तेनु तार देंगे गुरु जी तेनु तार देंगे वे तू सतगुरु सतगुरु बोल गुरु जी तेनु तार देंगे सतगुरु नाम दी महिमा प्यारी सतगुरु नाम दी महिमा प्यारी लखा संगता गुरु जी ने तारी लखा संगता गुरु जी ने तारी ये नाम बड़ा ही अनमोल गुरु जी तनु तार देंगे गुरु जी तनु तार देंगे वे तू सतगुरु सतगुरु बोल गुरु जी तेनु तार देंगे गुरु जी तेनु तार देंगे मानुष तन नहीं मिलना दोबारा मानुष तन नहीं मिलना दोबारा नाम दयाल यो ही सहारा नाम दयाल यो ही सहारा हीरा जन्म ना मिट्टी विच रोल गुरु जी तेनु तार देंगे हीरा जन्म ना मिट्टी विच रो गुरु जी तेनु तार देंगे गुरु जी तेनु तार देंगे वे तू सतगुरु सतगुरु बोल गुरु जी तेनु तार देंगे वे तू मिठड़ा मिठड़ा बोल गुरु
जी तन तार देंगे वे तो सतगुर बोल गुरु जी तन तार देंगे गुरु जी तन तार देंगे ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदाई जय ओम सुभाष जी महाराज आपकी सदाई जय ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदाई जय जय बापू ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदाई जय घोड़ी काट चढ़ के बरात चली तेरी हसरत जो दिल की थी दिल में रही खाली दिखते कफन में तेरे हाथ हैं तेरे पाप और पुण्य तेरे साथ हैं खाली दिखते कफन में तेरे हाथ हैं तेरे पाप और पुण्य तेरे साथ है राम नाम है सच्चा ये बोलो सभी भूले बैठे थे अब तक इसी बात को कोरी काठ की चढ़ के बरात चली तेरी हसरत जो दिल की दिल में रही कैसे बचपन गया और जवानी गई चार दिन में हंसी जिंदगानी गई कैसे बचपन गया और जवानी गई चार दिन में हंसी जिंदगानी गई नाम साथ चिता में ही जल जाएगा साथ तेरे यही एक कहानी गई घोड़ी काठ के चढ़ते बरात चली तेरी हसरत जो दिल की थी दिल में रही अपनों ने अपने हाथों जलाया तुम्हें देखते शोलों में है सुलाया तुम्हें तोड़ तीन का सभी नाते तोड़ चले अपने प्यार का बदला चुकाया यही थोड़ी काठ के चढ़ के बरात चली तेरी हसरत जो दिल की थी दिल में रही चंद मुठिया ही राख की बाकी रही और प्राणी तेरा यहाँ कोई नहीं चंद मुठिया ही राख की बाकी रही और प्राणी तेरा यहाँ कोई नहीं लाखों ही हैं गए और चले जाएंगे एक पल का किसी का भरोसा नहीं एक पल का किसी का भरोसा नहीं घोड़ी काठ की चढ़ते बरात चली तेरी हसरत जो दिल की थी दिल में रही ओम बापू सुहासी महाराज आपकी सदा ही जय सुना दे हाँ जी जय बापू जी सारे हाँ जी सदा ही जय Thank you.
बापू जो हां जी बोलन लगी भैया ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज सदाई जय ओम बापू सुभाष जी महाराज सदाई जय बापू ज्वाला सिंह जी रे द्वारे आ जे तो रब नु है पावना बापू ज्वाला सिंह जी दे द्वारे आ जे तो रब नु है पावना ओम दे चरना विच शीश झुका जे तो रब नु है पावना दे चरना विच शीश तू झुका जे तू रब नू है पावना बापू ज्वाला सिंह जी दे द्वारे आ जे तू रब नू है पावना नूर शानू बापू जी ने नूरो नूर किता सी नूरो नूर किता सी अपने ही सेवकानु भरपूर किता सी भरपूर किता सी दिते सब देने दुखड़े मिटा जे तू रब नू है पावना ओ दिते सब देने दुखड़े मिटा जे तू रब नू है पावना बापू ज्वाला सिंह जी दे द्वारे आ जे तो रब नू है पावना एक दिन एक संत पारस लेके आ गया पारस लेके आ गया एक दिन एक संत पारस लेके आ गया पारस लेके आ गया बापू जी ने पारस नू आले चर खा लिया आले चर खा लिया सारी धरती दिती सोने दी बना जे तू रब नू है पावना ओ सारी धरती दिती सोने दी बना जे तो रब नू है पावना बापू ज्वाला सिंह जी दे द्वारे आ जे तो रब नू है पावना बापू दया किशन जी ने मंदिर बनाया है मंदिर बनाया है बापू दया किशन जी ने मंदिर बनाया है मंदिर बनाया है मंदिर बना के ज्वाला नगर बसाया है नगर बसाया है दिते मंदिर च चरण टीका जे तो रब नू है पावना दिते मंदर च चरण टीका जे तो रब नू है पावना बापू ज्वाला सिंह जी दे द्वारे आ जे तो रब नू है पावना ओंदे चरणा विच शीश तू झुका जे तो रब नू है पावना जे तो रब नू है पावना बापू ज्वाला सिंह जी दे द्वारे आ जे तो रब नू है पावना ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदाई जय ओम बापू दया किशन जी महाराज आपकी सदाई जय ओम बापू सुभाष जी महाराज आपकी सदाई जय खोल संसार मालका अखा खोल ते मैं वेखा संसार मालका
बंद कराते तुम्हें मेरे नाल महल अखा खोला तेने वेखा संसार मारता बंद कराते तुम्हें मेरे नाल महल सारी दुनिया का इको रिश्तेदार तू मेरी जिंदगी का इको ठेकेदार तू सारी जिंदगी का इको रिश्तेदार तू मेरी जिंदगी का इको ठेकेदार तू दर्शन पावा ते मैं मारी हार मान का अखा खोला ते देखा मैं संसार बांधे कराते मेरे नाल मानता चिट्टा चोला ते गले विच हार दी चिट्टा चोला ते गले विच हार दी सोनी लग रही सानू तेरी चार दी सोनी लग रही सानू तेरी चार दी कर दियो किरपा ते हो जाए बेड़ा पार जी अखा खोला ते देखा संसार मारका बांधे कराते तुयो मेरे नाल मारका लोकी कहंदे ने गम इत्थे भुल जांदे ने लोकी कहंदे ने गम इत्थे भुल जांदे ने जदों मेरा वाले बापू सानू मिल जांदे ने जदों मेरा वाले बापू सानू मिल जांदे ने करदे ने मेरा ते होवे बेड़ा पार बापू जी करदे ने मेरा ते होवे बेड़ा पार बापू जी अखा खोल ते देखा संसार मालका बंद कराते मेरे नाल तुम्हें मारता अखा खोला ते देखा संसार मारता बंद कराते तुम्हें मेरे नाल मारता कराते तुम्हें मेरे नाल मारता ओम बापू नंदा चोरवालिया की सदाई जय बस ध्यान इधर ही रहता है हाँ भैया कैमरा थोड़ा सीधा आपका फेस पूरा नहीं अब सही आ रहा है ध्यान बापू जी तरफ रहता है बस हर टाइम हाँ जी बहुत बढ़िया मैं इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती अब जब से आप जुड़े हो इस ग्रुप में आप क्या चेंज फील कर रहे हो सुख शांति है पूरी शांति है मन को शांति मिल रही है ना मुझे सेटिस्फेक्शन आ रहा है हां जी पूरा सकते हो कोई अनुभव आप बताना चाहेंगे अपना हां जी कोई अनुभव आपका महाराज जी की कृपा का कोई भी जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ एक बार ख्याल आया था ओम जी आ रहे हैं अच्छा हमारे दुकान पे ओम जी आ रहे हैं जब से मन में यही है कि ओम जी हमारे साथ ही हैं अच्छा जब से यही लगता है कि ओम जी हमारे साथ हर समय है बहुत बढ़िया है बहुत सुंदर हर समय आप महसूस करते हो उनको है ना उनकी कृपा को वहाँ पे समाधों पे आए हुए थे महाराज जी और मैं भीड़ के कारण मत्था नहीं टेक पाई और महाराज जी से ऐसे कोई 10 फुट की दूरी पे लगा लो मैं बैठ गई जाके उनका ध्यान करके और मैंने महाराज से वहीं बैठे बैठे प्रार्थना करी कि महाराज जी आप जानी जानो मैं हाजरी में आपके चरणों में नमस्कार करते हुए मैंने बोला कि महाराज जी मेरी तरफ भी थोड़ी दृष्टि डालो और थोड़ी देर बाद ही मेरी तरफ स्माइल करिए और मेरे को ऐसे हाथ से बोला कि ठीक है
वो हमेशा मेरा नाम लेके मुझे तो पुकारते ही थे, मेरी पूरी जब भी मिलना पूरी फैमिली के लिए पूछना उन्होंने, अंशु ठीक है, पल्लवी ठीक है, उधर से मेरे एवन की मम्मा के लिए, सिस्टर के लिए, सबके नाम पता था, उनको सबका नाम लेके कहना कि सब ठीक है, बड़ा अच्छा फीलिंग आती थी और सबको याद रखते थे। कई बार मैं हैरान हो जाती थी कि महाराज जी को सबके नाम याद है, और जब कभी भी रुद्रपुर जाना है अंशु को मिलके कहना है कि मम्मा मेरे लिए पूछना है उससे, बच्चों से भी कि मम्मी ठीक है, कि मम्मी को भी बोला करो आया करें, यहाँ पर भी हाजिरी लगाया करें गदरपुर में, उनकी तो मतलब बयान ही नहीं कर सकते कि सबसे इतना ज्यादा प्यार करते थे कि दूल्हे तो भुला ही नहीं सकते। मतलब ये नहीं लगता था कि हमें ऐसे उनके में सारे दया कृष्ण महाराज जी के ही हमेशा हाजरी दर्शन होते थे। अभी 2 दिन पहले भी महाराज जी दया कृष्ण जी दर्शन दे के गए हैं मेरे को, और हंसता हुआ चेहरा में बहुत सुंदर आशीर्वाद दे के गए हैं, और ऐसे सब पे कृपा बनी रहे बापू जी की, वो हमेशा हमारे साथ है। और सुबह का ही अनुभव है जो उनकी, आज जगदीश जी की तबियत खराब हुई और बुद्ध प्रकाश अरदास की लगाई, और संगत ने भी सबने ओम जी का जाप किया, नागपाल जी ने जाप कराया, और आज पहली बारी अपना राम जी की वो अमृतवाणी आपकी आवाज नहीं आ रही, अमृतवाणी का आज जाप शुरू हुआ ना बापू जी के दिन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, देव आपकी सदा ही जय। और जो आज का जो नूर था बुद्ध प्रकाश जी पे देखने वाला था, और जो उनके मन की भावना थी सारा गुरुवाणी में वो उतारा है। सुबह जो उन्होंने महाराज जी का इन्होंने नाम लिया था, जो वाक लिया था उसमें पूरी भावना थी, और मैं इनकी आंखों में नूर देख रही थी, तो मेरी में बताती थी आंखों से आंखें मिलाई नहीं जा रही थी, इतना नूर था सुबह आंखों में। सतनाम सतनाम, ये बापू जी के सेवक बने रहे, आशीर्वाद बना रहे, प्रेम बना रहे, सबकी लाज रखी है महाराज जी ने, ऐसे सबका भला करते हुए भला होता रहे, और ऐसे हमारे जी का नाम चलता रहे, सारी संगत ऐसे जुटती रहे, और सबकी देर रोकता के लिए शाम को फिर जब भोग डलेगा फिर से सब महाराज जी की तरफ से सबके लिए। जय बापू जय बापू जय बापू। अब तो करता दिल की नगरी रही पुकार, अब तो आ जाओ बापू, अब तो आ जाओ बापू, अब तो आ जाओ बापू, दिल की नगरी रही पुकार, अब तो आ जाओ बापू, बड़े दिनों से राह देखते हम सब दीवाने, हम सब दीवाने, हम सब हैं बापू आपके दीवाने, सारी संगत आपकी दीवानी, दर्शन रस की प्यास जगी है आओ इसे बुझाने, दर्शन रस की प्यास जगी है आओ इसे बुझाने, आओ बापू आओ, बरसो प्रेम फुहार बनके, बरसो प्रेम फुहार, दिल की नगरी रही पुकार, अब तो आ जाओ करता
अब हम संगत रही पुकार, हम सब संगत रही पुकार, अब तो आ जाओ करतार, अब तो आ जाओ करतार, कोई प्रेम बापू प्यारा, बापू प्यारा, कितने ही चरणों से आपके तज के घर बारा, कितने ही चरणों से आपके तज के घर बारा, कितनों के जीवन की आस हो, कितनों की प्यार, कितन की नगरी आ जाओ, बापू संगत रही पुकार, हम सब संगत रही पुकार, पत्तों की हरियाली बापू तेरे बगैर ना लगदा जी, धूप तुमी हो छाव तुमी हो, रिम झिम की फुवार तुमी हो, धूप तुमी हो छाव तुमी हो, रिम झिम की फुवार तुमी हो, दिल की नगरी की पुकार, अब तो आ जाओ सरकार, हम सब संगत रही पुकार, अब तो आ जाओ बापू, तुम ही प्रेरणा तुम ही साधना, तुम वेदों की वाणी बापू, ब्रह्मा तुमी हो विष्णु तुमी हो, तुमी हो गणदानी, सो हम कहो नानाज तुमी, तुम्हें सेवा स्वासों की तार, दिल की नगरी रही पुकार, हम सब संगत रही पुकार, अब तो आ जाओ करतार, अब तो आ जाओ करता, हाथी द्वार तुम्हारे बुला लिया निज द्वारे, दूर रहो ना हमसे बापू, दिल की नगरी रही पुकारे, अब तो आ जाओ करतार, अब तो आ जाओ करतार, ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। सुंदर ओम परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा ही जय। परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज की वाटिका के सभी सुगंधित पुष्प जन, सभी संत जन, सभी को कोटि कोटि प्रणाम, सभी दरबारों पे सुशोभित महाराज जी साहब माता जी सबको कोटि कोटि प्रणाम, और बापू सुभाष जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू सुभाष जी महाराज तो याद करके उनका आज पहली जो है पुण्य जो तिथि है उनकी, आज पुण्य बरसी का दिन, बहुत उनकी बड़ी बड़ी कृपा सारी संगत पे, उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो ऐसे शहनशाहों वाली जो पर्सनैलिटी है वो सारा एकदम दिलो दिमाग पे संगत पे छाया हुआ है, ऐसी उनकी कृपा, ऐसी शोभा उनकी, उनके साथ ऐसा सब सब कुछ ऐसा सुंदर लगने लगता था, वो जब दरबार में बैठते थे वैसे ही बापू अपने पिताश्री की तरह, बापू दया कृष्ण जी महाराज भी इसी तरह ऐसा ऑरा था उनके आसपास, ऐसा आनंद की लहर दौड़ जाती थी, और महाराज जी साहब तो गायक भी इतने सुंदर थे, इतनी सुंदर गायकी, इतनी सुंदर शायरी उनकी, इतने सुंदर प्रवचन, एकदम बांध देते थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस जब बापू जी किया करते, चाहे वो एक घंटा लगे या एक घंटे से ज्यादा प्रवचन हो, फिर अपना आनंद में मस्ती में फिर गाते और सभी को इतना आनंदित करते थे, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर उनका जीवन रहा है। लेकिन बस ये
मन में ये हमेशा रहेगा कि बहुत जल्दी छोड़ के चले गए हमें बापू सुभाष जी महाराज, बहुत जल्दी छोड़ के चले गए। माता जी अभी बहुत कृपा है, माता जी सब पे इतनी कृपा कर रहे हैं कि सारी संगत का मन लग गया फिर से ना, जब से माता जी ने कृपा की है उनको सभी ने अरदास की, महाराज जी भी आप महाराज जी की जगह आप संभालो अब दरबार को संगतों को, तो बड़ी कृपा है हमारा माता जी के साथ बड़ी रौनक है। प्रभु कृपा करे उनको स्वस्थ रखे, उनको दीर्घायु दें ताकि उनका आशीर्वाद सारी संगत पे बना रहे और सारी सभी दरबारों पे सुशोभित संत जनों को महाराज दीर्घायु देना, उनको स्वस्थ रखना ताकि हम सब संगत पे उनका आशीर्वाद बना रहे और हम आनंद मानते रहे, कृपा बना रहे। तो ये बापू ज्वाला सिंह जी का, बापू ज्वाला सिंह जी की गद्दी है ये सहारनपुर वाली। बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा आई जाए, आप सबको उनका पता है कि प्रभु रूप बापू ज्वाला सिंह जी महाराज, जिनको जिनको ओम जी महाराज, ओम सच्ची सरकार, उन्होंने उनको नमस्कार किया, उनको ढूंढते ढूंढते कितना समय लगा के उनको अपना गुरु ढूंढते हुए बापू जी ज्वाला सिंह जी के पास चरणों में आए और उनको अपना गुरु बनाया बापू ओम जी महाराज ने, तो बापू कल्याण दास जी महाराज भी उनके सेवक, बापू ओम जी महाराज जी भी, फिर बापू हेमराज जी महाराज की कितनी हमें ये सरला मासी सुनाती है, उनके जो कौतक है, उनकी जो रहमत के किस्से हैं, बापू दया कृष्ण जी महाराज, बापू सुभाष जी महाराज, बापू वहां सहारनपुर ज्वाला नगर के आसपास ही जब जैसे ही आप पहुंचते हैं ना सहारनपुर में, तो आपको एक अजीब सा सुंदर सा एक एक एहसास होने लगता है, अब सब पहुंचने वाले दरबार में, और आनंद होता है जैसे ही, और इतना प्रेम और इतना सिर्फ प्यार और आशीर्वाद नहीं देते थे बापू सुभाष जी महाराज, बड़ा मान भी देते थे संगत को, इतना मान भी देते थे उनको, कोटि कोटि प्रणाम है महाराज जी, वी मिस यू वी लव यू। तो बापू ज्वाला सिंह जी महाराज का हम एक शब्द एक भजन पढ़ेंगे जो पिताश्री ने रचा है, तो अभी एक तो गाया उसने अपनी पूजा ने आज एक पिताजी का, के बापू ज्वाला जी दे द्वारे जे तू रब नू है पावना, बापू ज्वाला सिंह खुद ने खुदा जे तू रब नू है पावना, बापू ज्वाला जी दे द्वारे जे तू रब नू है पावना, बापू ज्वाला जी दे द्वारे जे तू रब नू है पावना। वाह जी वाह, सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। हाँ जी, हाँ आ गया, मैं यही चाहता था कि अगर महाराज जी साहब के दर्शन हो जाएं साथ साथ तो वाह वाह ये अच्छा हो गया, सुंदर, जय हो महाराज साहब, वाह वाह। तो इतनी छोटी उम्र में महामंडलेश्वर का इनको टाइटल मिला संतों के द्वारा, है देखो महामंडलेश्वर, जय हो महाराज, कृपा कृपा आपने इतना बढ़ाया इसको, इस धर्म प्रचार इतना धर्म प्रसार जो आपने किया है बापू सुभाष जी महाराज, आपको कोटि कोटि प्रणाम। तो ये हम भजन गाते हैं कि बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह विच डेरे लाए सी, नूर शाह दी प्यारी संगत नू कौतक न कई वखाए सी। ए एक एक लाइन मैं पढ़ना, एक लाइन तुसी आपदे मन दे विच पढ़ो हां, ताकि फिर सिंक्रोनाइज होना बड़ा मुश्किल होता है, मन दे विच नाल ना पढ़ो, बड़ा ही सुंदर भजन पिताजी ने लिखा है, की है
बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह डेरे लाए सी। बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह डेरे लाए सी। नूर शाह प्यारी संगत नो कौतक कई न वखाए सी। बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह के डेरे लाए सी। वाह ठोहार दे विच अमर लिया किस जगत देवाली बापू ने। ठोहार दे विच अवतार लिया किस जगत देवाली बापू ने। नूर शाह स्वर्ग बना दिता सरकार आली बापू ने। नूर शानू स्वर्ग बना दिता सरकार आली बापू ने। हरिओम नारायण दत्त बापू ऐसे ही शीश निभाए सी। बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह डेरे लाए सी। नूर शाह जी प्यारी संगत नो कौतक कहिए ना। नूर शानो नूर कीता जग सारे विच मशहूर कीता। नूर शानो नूर नूर कीता जग सारे विच मशहूर कीता। अखां सारी उमर ले गवा बैठे जिन्ना चोरी करन दा कसूर कीता। लखां अन्ने अखियां ले गए ने जिन्ना दर ते सीस झुकाए सी। बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह डेरे लाए सी। नूर शाह दी प्यारी संगत रावी दरिया आया मस्ती विच नूर शानू केरा पाया है। रावी दरिया आया मस्ती विच नूर शानू केरा पाया है। पलिया लोका हट जा पिछे तू एथे असाने कुला बनाया है। मथा टेक बापू दे खुंडे नूरावी दरिया वापस आए सी। मथा टेक बापू दे खुंडे नूरावी दरिया वापस आए सी। बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह डेरे लाए। बापू नारायण दत्त गुरु हर नाम
ते बापू कर धाराम प्यारे बापू नारायण दत्त गुरु हर नाम ते बापू चर धाराम प्यारे बापू कल्याण दास गुरु हेमराज बापू दया किशन जग तो न्यारे लांबड़ाम रत सर दीना नगर सबना दे पिता कहाए सी वाह लांबड़ाम रत सर दीना नगर सबना दे पिता कहाए सी बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह डेरे लाइन बापू दया किशन जी दया कीती यूपी विच डेरा लाया ए बापू दया किशन जी दया कीती सहारनपुर विच डेरा लाया ए इस जगत देवाली बापू दा एक सोना मंदिर बनाया इस जगत देवाली बापू दा वाह एक सोना मंदिर बनाया है मंदिर दे विच आज चरण पाग का महात्मा जी तो रखाए सी बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह के डेरे लाए सी नूर शादी प्यारी संगत नू कौतक कहिए ना बखाए सी बापू ज्वाला सिंह जी महाराज नूर शाह डेरे लाए नूर शाह डेरे लाए नूर शाह डेरे लाए बापू सुभाष जी महाराज ने दरबार सहारनपुर विच डेरे लाए सी जिन्हां दा अज आपां याद कर रहे हैं उन्हां दी पहली बरसी आपां मना रहे हैं वाह वाह जय जयकार है बापू ज्वाला सिंह जी महाराज जिस तरह के आपां इहदे च पढ़िया है कि नूर शाह नूं नूरो नूर कीता जग सारे विच मशहूर कीता अखां सारी उम्र लई गवा बैठे जिन्हां चोरी करन दा कसूर और जिन्होंने वो ये तो साखी मैं तुहानू दस दिया भी इस तरह से भी कोई चोरी करन आए सी दरबार दे विच नूर शाह दे विच वो चोरां ने जिवें ही गंढ बंधे सीगे गठ बंधे सी ते वो जान दी तैयारी करदे सी ते उन्हां दी अखां दी रोशनी चली जांदी सी जिवें वापस रखदे सी ठीक हो जांदे सी उन्हां नूं हैरानगी होई सी हो की रह सकदा सो ये ऐसी मतलब कि शक्ति दे मालक कि उथों दी क्योंकि संगत दा सारा होंदा बापू जी दे दरबार दे उत्ते ते सो उन्होंने कहा भी नहीं संगत इन्नी मेहनत नाल सारा ने इत्थे सेवा कीती हुई है कोई नुकसान नहीं होना चाहिए तां उन्हां दा मतलब कि ऐसी शक्ति दे मालक सी उन्होंने फिर रब इन्हां दे जे महापुरशां दे बिलकुल नाल हुंदा है भी रब भी आपदा सच्चा परम पिता परमात्मा वह भी फिर चोरां नूं मतलब कि छड के जाना पिया समान के लखा अखा लोकी अखा लै गए ने जिन्होंने डर ते सीस निवाए लखा अन्ने अखियां लै गए ने वाह वाह जिन्हों जिन्हों किसे तरह की लोड़ है सारी मंगा पूरी हुई ने उन्होंने महाराज ने कीतिया एक बार रावी दरिया जड़ा है वह आ गया सी नूर शाह नूं घेर लिया पानी का संगत आने जाके महाराज के अरदास महाराज जी ये की हो रहा है कृपा करो साडा सारा जमीन जायदाद घर बार
सारा पानी दे विच जा रहे थे, बड़ी नुकसान हो जाएगा महाराज कृपा। महाराज साहब गए जिथे पानी आया सी जिथे तक, उथे उथे उन्होंने खुंडा ला दिता आपका थोड़ा दूर, भी आवे असी भी इतने आपका अस डेरा लाया तू आप दूर जा। वो पानी आया है, बस कुंडे नू प्रणाम किया टच किया तो वापस चले गए। इनी शक्ति दे मालक। इस तरह बापू सतलुज जरा दरिया दे विच जो सिर पानी बड़ा घेर लिया महतपुर के इलाके सारा, तो महतपुर की संगत ने बापू शरदा राम की अरदास। बापू शरदा राम जी ने इस तरह उन्होंने कृपा की, सतलुज के अगे अरदास की भी बई इतने साड़ी संगत रही। फिर पिछे चले गए। इस तरह यमुना नदी जिमें अजकल बड़ी चढ़ी हुई, दिल्ली दे काफी पानी आया 77-78 की गल है। महाराज साहब बापू हर भगवान जी महाराज हले गद्दी नशीन हो ही नहीं सी, 22 साल पहले की गल, उन्होंने गद्दी नशीनी तो पहले की गल, तो महाराज ने जाके उत्थे झंडा लगा के अरदास की, महाराज जी तुसीं जिवें सतलुज तो बचाया सी है, क्योंकि महाराज शरदा राम जी महाराज खुद नहीं सी गद्दी ते 74 चले गए सी, ते ओ उत्थे बस क्योंकि साक्षात उत्थे बुलाना मुश्किल सी बापू गुरदास राम जी नूं, उन्होंने बस सोच के उत्थे आ गए, उन्होंने उत्थे झंडा लगा के अरदास की बापू हर भगवान जी ने, ते ओ पानी फिर सारा इलाका छड़ के दूर चला गया पानी यमुना जी का। सो ये अपनी गद्दियां दे उत्ते बड़ी शक्ति बड़े जेड़े मेहर करन वाले संत दयालु पुरश सारे होए ने, बड़ी साड़ी खुशकिस्मती है असी इन्हां दरबारां नाल जुड़े होए आ। ते बापू दयाल सिंह जी ने ऐसा सुंदर फिर सहारनपुर दे विच बनाया जिहदा कोई, हाँ जी सहारनपुर दे दरबार जिहड़ा आलीशान बनाया बापू ज्वाला सिंह जी, पूरे नगर का नाम इस इलाके का ही नाम ज्वाला नगर पै गया, ज्वाला नगर ते बापू ज्वाला सिंह जी महाराज का डेरा। ते कोटि कोटि प्रणाम है बापू जी, बड़ा असी याद करते हैं बापू सहारनपुर वाले बापू। बापू सुभाष जी महाराज वी लव यू वी मिस यू सर बहुत बहुत, वाह जय हो। बाजों गुरां ते आराम ना आवे जिंद नूं, बाजों गुरां ते आराम ना आवे जिंद नूं, इको गुरां दा विछोड़ा ही सतावे जिंद नूं, बाजों गुरां दे आराम नावे वाह। रोवे जिंदड़ी नी माणी औखी उमरा बितानी, रोवे जिंदड़ी नी माणी औखी उमरा बितानी, अग गुरां दे विछोड़े दी जलावे जिंद नूं, अग गुरां दे विछोड़े दी जलावे जिंद नूं, बाजों गुरां दे आराम ना आवे जिंद नूं, इको गुरां दा विछोड़ा ही सतावे जिंद नूं। ओ महाराज साहब तुहाडी बड़ियां यादां जय जयकार, बड़ा आशीर्वाद मेरे ते बड़ी उहनां दी रहमत वाह वाह वाह। एक बार पानीपत दे विच प्रोग्राम सी, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का बहुत वड्डा समागम सी, ते उत्थे महाराज साहब नूं मैं दूरों प्रणाम किया। महाराज साहब भी विराजमान सी सोफे दे उत्ते उपर स्टेज दे उत्ते, कुछ संत सीगे उन्होंने उत्ते स्टेज ते बिठाए सी, मैं दूरों प्रणाम किया, मैं वाह वाह महाराज जी, मैं खुश हो गया महाराज साहब नूं उत्ते दर्शन करके, मैं जय हो महाराज। महाराज मैं स्टेज उपर बुला लिया, कहने आ जाए इतने मेरे को बैठ, फिर अस कट्ठे बैठे रहे महाराज साहब के नाल सोफे। नहीं
बड़ी कृपा उन्होंने की, बड़ा प्रेम, बड़ा आशीर्वाद। जदों जदों तुसी चले जांदे हो, हाँ जी, ते ओ उस वेले बड़े बड़ा आशीर्वाद देंदे सी, बड़े खुश होंदे सी। भजना दा दौर चलदा रहिंदा सी। एक वारी दरबार नंदा चौर धाम दे विच जून दा यग, 25 जेठ दे यग दे विच उपर आपदे रूम दे विच आपणे नवीं जिहड़ी सरां हैगी हैना, जिहड़ी सरां दे विच उपर बैठ के ते इन्नियां रौनकां, बस सारा कमरा भर जाणा। महाराज साहिब जिथे भी बैठते सी उत्थे रौनक लग जांदियां सी। महाराज साहब ने वह भी बड़ा सुंदर टाइम सीगा। उत्थे फिर मैं भी थोड़ी जी एक दो भजनां की हाजरी लगाई सी, बड़े आशीर्वाद दिते सी महाराज जी ने। उत्थे भी जय जयकार है बापू सुभाष जी महाराज, तुहाडी जय जयकार है। दरबार नंदा चौर धाम दे जिथे भी महाराज साहब जाते उत्थे फिर रौनक ही रौनक लग जांदियां सी। जय जयकार बापू सुभाष जी महाराज, वाह वाह वाह। के दूर हो इतने महाराज साहब, दूर हो इतने के जा बैठे हो बैकुंठ पे, दूर हो इतने के जा बैठे हो बैकुंठ में, और पास हो इतने के दिल में रहते हो। महाराज साहब दिलां दे विच सारी संगत दे दिलां विच तुसी छाए होए हो, समाए होए हो, वाह वाह। इसे तरह आपकी कृपा बनाए रखना, आपकी प्यारी याद, मिठी याद हमेशा साडे मन दे विच रहे महाराज, ऐसी कृपा करना। हां वाह, जय जयकार महाराज। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी, वाह। काल जेनू खिच पैंदी ऐ, रोग हड्डियां नू लगे आवला। काल जेनू खिच पैंदी ऐ, रोग हड्डियां नू लगे आवला। पाके प्यार तुर गया बापू, तुर गया छड सानू कला। सीने विच तीर वजदे हो, सीने विच तीर वजदे, दुख किवें मैं जुदाई वाले टोवा। असी ताने मारे बापू नाले, याद करा नाले रोवा। असी ताने मारे बापू, मंदरां च टोल दी फिरा आवे, नजर न बापू मेरा। मंदरां च टोल दी फिरा आवे, नजर न बापू मेरा। पावे सारा जग वसदा जग, लगे मैनू बापू बिन हनेरा। बापू खैर पावे मेहर दी हो, बापू खैर पावे मेहर दी, चोली अड़के मैं दर ते खलोवा। असी ताने मारे बापू नाले, याद करा नाले रोवा। असी ताने मारे बापू, महाराज कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो।
सब दे करां दे सुख ते हुण महाराज जी ए जेड़े बापू परमंस बापू ठाकुर जी महाराज तुहाडे अग्गे अरदास ते सारे संतां सारे माता जी उमर बैठे ने माता श्री बापू दया किशन जी महाराज जी दे हरम पत्नी ओ बैठे ने महाराज जी माता जी नूं कोटि कोटि प्रणाम है। ते माता जी नाल रौनकां फिर तो आ गईयां ने, ये बड़ी खुशी की गल है। संगत बहुत आनंद है। यादा तो देखो बापू सुभाष जी महाराज की यादा, बापू दया किशन जी दी, सारे संत जड़े चले उन्होंने यादा तो फिर भुलाईया नहीं जा सकदियां। ते बस लेकिन जेड़ा हुण महाराज जी माता जी भी खूब माता जी बहुत सुंदर प्रवचन बड़े सुंदर भजन गाते ने, वही उन्होंने जोत है। बापू बापू सुभाष जी महाराज की जोत ओही जोत चलो कृपा करे महाराज ते कृपा कर दे। आज कोशिश कर दे जे माता जी कृपा कर दे संगत नु आशीर्वाद भी दे दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं देखदा ठीक है। रोजी तुसी अगे बधाओ सत्संग नु, मैं देखदा माता जी जे अवेलेबल हैगे ता है। आज वैसे थके तो होने भी पर देखते हैं कि महाराज आ सकते हैं। ओके जय बापू जी। जय बापू ओम बापू सुभाष जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय बापू जी सतकरदार जी जय बापू जी। जय हां जी पूरन दा चौर वालिया आपका ही जय जय जय। ओ Oh.
हरि ओ ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय जी जय जय जयकार। हाँ जी 5 मिनट हूँ आप ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदाई बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदाई जय बांके बिहारी लाल की जय बांके मोहन से हो गई मेरी यारी के अब कहीं दिल ना लगे बांके मोहन से हो गई मेरी यारी के अब कहीं दिल ना लगे दिल ना लगे मेरा दिल ना लगे बांके मोहन से ओ बांके मोहन से हो गई मेरी यारी के अब कहीं दिल ना लगे मेरी छोटी दुनिया सारी मेरी छोटी दुनिया सारी के अब कहीं दिल ना लगे बाके मोहन से ओ बाके मोहन से हो गई मेरी यारी के अब कहीं दिल ना लगे बाके मोहन से हो गई मेरी यारी के अब कहीं दिल ना लगे दर्द की मारी मैं तो दर दर भटकूं दर्द के मारी मैं तो दर दर भटकूं वृंदावन की कुंजों में गली गली डोलूं सावन की कुंजों में गली गली डोलूं मैं तो भटकूं मारी मारी के अब कहीं दिल ना लगे मैं तो भटकूं मारी मारी के अब कहीं दिल ना लगे ओ बाके मोहन से ओ बाके मोहन से हो गई मेरी यारी के अब कहीं दिल ना लगे बाके मोहन से हो गई मेरी यारी के अब कहीं दिल ना लगे छोटी दुनिया सारी मेरी छोटी दुनिया सारी के अब कहीं दिल ना लगे ओ बाके मोहन से ओ बाके मोहन से हो गई मेरी यारी के अब कहीं दिल ना लगे।
तुझ बिन पिया मोए कछु बिना भाए, तुझ बिन पिया मोए कछु बिना भाए, रह रह पिया तेरी याद सतावे, रह रह पिया तेरी याद सतावे। ओ मैं तो रंग में, ओ मैं तो रंग में रंगैया रंग डारी, के अब कहीं दिल ना लगे, ओ बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, के अब कहीं दिल ना लगे, ओ बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, के अब कहीं दिल ना लगे, मेरी छूटी दुनिया सारी, मेरी छूटी दुनिया सारी, के अब कहीं दिल ना लगे, ओ बाके मोहन से, ओ बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, के अब कहीं दिल ना लगे, ओ बाके मोहन से हो गई मेरी यारी, के अब कहीं दिल ना लगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय बहुत सुंदर दिल नहीं लगे। और देखो कृष्ण भगवान का भजन गाया, और बापू दया कृष्ण जी महाराज कृष्ण भगवान का रूप, इन्होंने पिता श्री बापू सुभाष जी महाराज के बिलकुल संगत बड़िया सुन बंदा भी उन्होंने विश्वास कृष्ण भगवान का रूप। हाँ जी गाओ जी गाओ। ओ बापू संदा चोर वालिया आपकी सदाई सदाई जय, शाह ठंडे की सदाई जय, ओ बापू पासी महाराज आपकी सदाई जय, सारी संगत को जय बापू। ओ बापू ओम बापू, धरती अंबर पे जब तक रूहानी रहे, सुभाष बापू जी आपकी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। ओ बापू ओ बापू, सबके कष्ट को तूने मिटाया, ओम बापू कली के सहारा, झोली सबकी भरी विपता सबकी हरी, याद भक्तों को तेरी कुर्बानी रहे, कुर्बानी रहे। ओ बापू भव सागर से तूने बचाया, जो भी तेरी शरण में है आया, दर पे आया दुखी गया होके सुखी, भक्तों पे तेरी मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे। ओम बापू ओम बापू, बापू दया किशन का तुझाया, हर कण कण में तू है समाया, सरस्वती माँ का लाल, सरस्वती माँ का है लाल, दया तेरा स्वभाव जिंदगानी रहे, सुभाष बापू तेरी जिंदगानी रहे। ओम बापू शरणम की निशानी रहे, ओम बापू शरणम की निशानी रहे। ओम बापू ओम बापू, तेरे चरणों की रज को जो छूले, भूल कर भी तुझे हम ना भूले, तेरे चरणों की रज को जो छूले, भूल कर भी तुझे हम ना भूले, जब तक जीवन की सांस रहे, तुझ पे ही आस भक्तों की रहे, तुझ पे आस भक्तों की रहे, सुभाष बापू तेरी जिंदगानी रहे,
जिंदगानी रहे, धरती अंबर पे जब तक रूहानी रहे, सुभाष बापू तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। ओम बापू, ओम बापू, ओम बापू शरण, ओम बापू सहारनपुर जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू दया किशन जी महाराज आपकी सदा ही जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। ओम बापू सुभाष बापू जी महाराज आपकी सदा ही जय। दंडवत वंदनायन कबार सर्व कला समर्थ, डोलन तेरा खो प्रभु नानक दे कर हथ। संत श्री सुभाष बापू जी महाराज। संत सुभाष बापू जी महाराज एक जीवन मानस मंदिर है, जीवत मानस मंदिर है, जिनके दर्शन मात्र से मन में एक असीम शांति की अनुभूति होती है और मन की इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है। महाराज जी की कृपा से अनेक भ्रष्ट लोगों का जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हुआ था। संत सुभाष बापू जी पूज्या पा संत दया किशन महाराज जी के सपुत्र थे और उन्होंने उन्हीं से नामदान दीक्षा ली। संत सुभाष बापू जी का जन्म 10 फरवरी 1959 में जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही बापू जी धार्मिक वृत्ति के थे। ये एमए पास हैं, पास थे, धार्मिक वृत्ति के हैं, वृत्ति के थे। अब थे इन्होंने अपने पिता पंडित दया किशन जी से गुरु दीक्षा पाई और उनके साथ साथ दरबार सेवा में लीन रहते थे। इन्होंने वेदांत रामचरितमानस गीता गीता गुरबाणी तथा अन्य संतों की वाणियों का गहन अध्ययन किया था। ये एक अच्छे धार्मिक वक्ता थे। स्थानीय तथा अन्य संतों को अपने आध्यात्मिक ज्ञान से लाभान्वित करते रहते थे। विगत कई वर्षों से ये गद्दी संत बापू ज्वाला सिंह ज्वाला नगर सहारनपुर दरबार, बापू कल्याणदास गंदरपुर दरबार रामराज की सेवा व्यवस्था करते आ रहे थे। दरबार में आने वाली संगतों की सेवा तथा अन्य संबंधित उत्सवों का आयोजन इनके द्वारा संपन्न होता था। इन सभी कार्यों में व्यस्त रहते हुए ये अपने माता पिता गुरु की सेवा में लीन रहते थे। इनका विवाह सुश्री मिथिलेश शर्मा पुत्री पंडित बलदेव राज शर्मा रिटायर्ड डीएसपी के साथ संपन्न हुआ था। सुश्री शर्मा बीए बीएड हैं। दरबार द्वारा संचालित विद्यालय में कार्यरत हैं। दरबार में आने वाली संगतों के स्वागत सत्कार एवं सेवा का भार सहर्ष वहन करती हैं। साथ ही बुजुर्गों की सेवा तथा अन्य व्यवस्थाएं भी संभालती थी। उनका जन्म सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। बचपन से ही बापू जी धार्मिक व्यक्ति थे। आ गया। विगत कई वर्षों से पूज्य बापू सुभाष जी परम संत बापू ज्वाला सिंह के मंदिर ओम बापू शरण सहारनपुर के अतिरिक्त दरबार बापू कल्याण दास जी महाराज कदरपुर उधम सिंह नगर दरबार रामराज मेरठ दरबार खड़मासा काशीपुर की सेवा व्यवस्था कर रहे थे। महाराज जी की कृपा सभी भक्तों पर रहती थी और वह सभी श्रद्धालुओं के कष्ट निवारण करते थे। एक बार बापू जी के सेवका आंचल छावड़ा अपने घर में खाना बना रही थी, अचानक उसके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया और वह अनेक डॉक्टरों के पास इसका इलाज करवाने गई, लेकिन उन्हें कहीं से भी आराम नहीं आया। अत्यंत दुखी रहने से वह परेशान होकर मन ही मन बापू जी से प्रार्थना करने लगी। 10 फरवरी को संत सुभाष बापू जी महाराज का जन्म था।
सभी भक्त जन मस्ती में झूम नाच रहे थे। 10 फरवरी नौना जन्मदिन और आंचल छाबड़ा से भी रहा ना गया और वह उठकर नाचने लगी। नाचते नाचते कुछ क्षण के लिए उसने आंखें बंद की और बापू जी से प्रार्थना करने लगी। अचानक उसने जय बापू जी बोलकर दोनों हाथ ऊपर करने का प्रयास किया और उसकी खुशी का ठिकाना न रहा जब दोनों हाथ पूरी तरह से काम करने लगे। और वह भी बापू शिवाजी महाराज आपकी सदा दे जन्मदिन से जय बापू जी ऊपर हाथ करके कहने नाल उदे हाथ काम करना और वह भी सभी की तरह मस्ती में नाचने लगी। ये सब बापू सुभाष जी महाराज का करिश्मा ही था। संत बापू जी सुभाष जी अत्यंत दयालु और कृपालु थे। संगत की सेवा ही प्रभु की सेवा जानकर प्रत्येक व्यक्ति के दुखों को हर कर उन्हें सुख पहुंचाना ही अपना ध्येय मानते थे। सुभाष जी सहारनपुर दरबार की व्यवस्था बहुत अच्छी तरह कर रहे थे और अपने पूजने के 5 दिनों पर चलकर संगत का कल्याण कर रहे थे। अभी पिछले साल 23 जुलाई 2022 को आप शरीर छोड़कर अपना परम धाम को चले गए। ओम बापू सुभाष जी महाराज आपकी सदा ही जय। सदा दिन उनका सुंदर यादा छोड़ के चले गए समाज। ओम बापू सुभाष जी महाराज आपकी सदा ही जय। हूँ मैं सुनाना ये इन्होंने ना एक बहुत ही फेवरेट थी। आप साढ़े गोविंदगढ़ जो घर आए थे ना उत्थे उन्होंने भजन सुनाया थी तो मैं भजन सुना सुनाओ जी सुनाओ। खेवट वाला सुना दे होंगे जी। अच्छा ओम बापू दया कृष्ण जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। Yeah. अगर पार जाना चाहते हो भगवन चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। जो खेवट को गए ना तो गए रामचंद्र जी पार रहना है तो खेवट को कहने लगा कि अगर पार जाना चाहते हैं भगवन तो चरण गंगा जल से धुलवाने पड़ेंगे। पहले थोड़े चरण धोवांगा तां तुसी अगे जा सकदे। प्रभु मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ नियम जो कहूंगा निभाने पड़ेंगे। कहता मैं थोड़ा जरा है जानदा मर्म नियम जड़े तुसी कहोगे नियम जो कहूंगा वो निभाने पड़ेंगे। वो कहता जी तुसी पत्थर दी जड़ी है ना सिरा नू नारी बनाता सी इस करके ये जड़ी मेरी हैगी है ना नाग दे दा काट नहीं हैगी पारी नहीं हैगी पारी नहीं हैगी। कहता ये तो पत्थर की पत्नी बना देते हो आप पत्थर की पत्नी बना देते हो तो आप तरना तो जानते नहीं इसलिए तुहानू जाना तो पैना ही है नौका ते क्योंकि तुसी तारना जानदे हो तरना नहीं जानदे। खेवट कहता है सिर्फ तारना जानते हो। अहल्या बनाई थी पत्थर से नारी ये लकड़ी की नैया नहीं उससे भारी। अहल्या बनाई थी पत्थर से नारी ये लकड़ी की नैया नहीं उससे भारी। इसी से हमारा गुजारा है भगवन बिना इससे रोटी के लाले पड़ेंगे। साढ़े इसे नाल ही गुजारा जे किसी पत्थर बन गई तो साढ़े तो रोटी का गुजारा। अगर पार जाना चाहते हो भगवन चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। चरण रज की महिमा किसी ने न जानी इसे पाके बनते हैं मूर्ख विज्ञानी। चरण रज की महिमा किसी ने न जानी
इसे पाके बनते हैं मूर्ख विज्ञानी, ये मौका सुनहरी अगर छोड़ दूंगा, ये मौका सुनहरी अगर छोड़ दूंगा तो चक्कर 84 के खाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवान, चरण गंगा जल में धुलाने पड़ेंगे। वो कह रहे हैं जो आपका काम है ना वही मेरा काम है, छोटा काम। आप भव से पार करते हो तो मैं करने का धंधा है, तो मेरा ये है दरिया से पार करने का। सुने सारे चर्चे तो भगवान ये बोले, यदि है तमन्ना तो जी भर के धोले। सुने सारे चर्चे तो भगवान ये बोले, यदि है तमन्ना तो जी भर के धोले। प्रबल भावना हो तो भगवान को भी भगत अपने रूठे मनाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवान, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। चलो तोलो तोला भाई, तू खुश हो जा, कर तो जाके कठौता लेके आ गया, बाटी जी पानी चाहो। कठौते का पानी न कुछ काम आया, वो आंखों के आंसू नहीं रोक पाया। वो कठौते पानी लिया जी, अखा आंसू आ रहे थे, कठौता पड़ गया। अगर प्रेम ऐसा करोगे हरी से तो उसको भी आंसू बहाने पड़ेंगे। अगर प्रेम ऐसा करोगे हरी से तो उसको भी आंसू बहाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवान, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। चरण दोनों खेवट ने उसे उठाए, दोनों चरणों ने उठा के ना संभलने न पाए, प्रभु डगमगाए। जैसे चरण चके ना वो इस तरह हो गए टेढ़े जे, तो बोला ये खेवट पकड़ लो मेरा सर। और उस बहाने नाल कहते मेरा सिर पकड़ लो, भगवान राम जी कहते खेवट का उन्होंने सिर पकड़ लिया। तो बोला यू खेवट पकड़ लो मेरा सर, तभी पाप मेरे भी जाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवान, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। ये तो अंदर तो कहना मेरे पितरों से भी कर दो मेरे पार, सभी घर वाले लोगों करदे मैंबर बुला के लिया, उन्होंने भी कहा चलो तो चलो। सभी घर के लोगों को उसने बुलाया, चरण धो के अमृत पिया और पिलाया। पितर और परिजन सहित सेवकों को प्रभु पार भव से लगाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवान, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। तभी अपनी नैया को सुंदर, तभी अपनी नैया को सुंदर सजाया, सिया राम लक्ष्मण को प्रेम से बिठाया। तभी अपनी नैया को सुंदर सजाया, सिया राम लक्ष्मण को प्रेम से बिठाया। बिठा के ना वो कहते थे जल्दी, काफी देर लगे तो उन्होंने घुमाण लग गया बिच दरिया दे, हौली हौली घुमाया घुमा रहा। कटाते हो हमको 84 के चक्कर। वो कहते क्यों घुमाई जाना सामने से बता दे। कटाते हो हमको 84 के चक्कर,
तुम्हें आज वैसे ही खाने पड़ेंगे। सानू कराऊंगा तो आप आज खाने पैने चक्कर। तो उस पार पहुंचे त्रिलोकी के स्वामी, मजूरी में खेवटने अंगूठी न थामी। वो कह अंगूठी देने लगे ना, नहीं रही। जो उस पार पहुंचे त्रिलोकी के स्वामी, मजूरी में खेवटने अंगूठी न थामी। अगर दे रहे हो बचन एक दो दे दो, अगर दे रहे हो वचन एक एक दो, मेरे भाव के बंधन छुड़ाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। जो देखी ये लीला सभी देव घर के, तो आनंद छाया उबर जम के बर से। जैसे देवती देवे देवते देख रहे थे ना, तो आनंद इतना आ गया कि उस वक्त बरसात होने लग गई। सुनो ये निरंतर ये सुंदर कहानी, सुनोगे निरंतर ये सुंदर कहानी, नहीं तुमको तीर्थ नहाने पड़ेंगे। अगर पार जाना चाहते हो भगवन, चरण गंगा जल से धुलाने पड़ेंगे। ये सारी के रोज प्यार ना सुनोगे तो तुम तीर्थ जाके ना कोई रोड़ नहीं। कहानी सुन के तो तीर्थ हो जाएगा। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। सदा ही जय वाली। बहुत सुंदर महाराज जी, महाराज सुभाष जी का फेवरेट भजन है। फेवरेट है। और उन्होंने साढ़े घर गोविंदगढ़ गए थे जो उसे यह बोलिया सी। वाह जय। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो। होई ओम बापू नंदा चोर वाले आए आपकी सदाई जय। बापू सुभाष जी महाराज आपकी सदाई जय। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो पुकारी, राधा यू रो रो पुकारी। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो पुकारी, हो राधा यू रो रो पुकारी। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होते हैं, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार तो आंसू बहा कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो पुकारी, हो राधा यू रो रो पुकारी। जब कोई सुनेगा जी मेरे मन के दुखड़े की, जब कोई सुनेगा जी मेरे मन के, जब ताने सुन सुन के मुझे पीड़ा होती है, जब ताने सुन सुन के मुझे पीड़ा होती है। एक बार तो ताने सुन कर देखो मेरे सांवरिया,
राधा यू रो रो पुकारे हो राधा यू रो रो पुकारे क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा को क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा को क्या होती है आशा क्या होती निराशा है क्या होती है आशा क्या होती निराशा है एक बार तो प्रेम की भाषा सुनकर देखो सांवरिया राधा यूं रो पुकारे हो राधा यूं रो रो पुकारे एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया राधा यूं रो पुकारे हो राधा यूं रो रो पुकारे पनघट पर सारा दिन वो इंतजार करना पनघट पर सारा दिन वो इंतजार करना ऐ शाम तेरी खातिर यूं घुट घुट कर मरना ऐ शाम तेरी खातिर यूं घुट घुट कर मरना एक बार किसी का इंतजार करके तो देखो राधा यूं रो रो पुकारे हो राधा यूं रो रो पुकारे एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया राधा यूं रो रो पुकारे हो राधा यूं रो रो पुकारे जब तुम मिले हमसे और हम मिले तुमसे जब तुम मिले हमसे और हम मिले तुमसे जब छोड़ना ही था फिर जोड़ा क्यों नाता जब छोड़ना ही था फिर जोड़ा क्यों नाता एक बार बिरहा की पीड़ सहकर देखो सांवरिया राधा यूं रो रो पुकारे हो राधा यूं रो एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया राधा यूं रो रो पुकारे हो राधा यूं रो रो पुकारे जो फिर से जन्म मिले तो इतना कर देना जो फिर से जन्म मिले तो इतना कर देना मैं शाम बनूं तेरा तू राधा बन जाना मैं शाम बनूं तेरा तू राधा बन जाना एक बार जन्म फिर लेकर देखो मेरे सांवरिया राधा यूं रो रो पुकारे
ओ राधायू रो रूप का एक बार तू राधा बन कर देखो राधायू रो रूप कारी हो राधायू रो रूप कार ओम बाप नंदा चोर वाले आए आपकी सदा बोल बांकी बिहारी लाल की ओम सुबापु सुभाष जी महाराज आपकी सदा ए रेणु जी ने ये पढ़ा कृष्ण भगवान राधा जी का बड़ा सुंदर भजन और ये बापू सुभाष जी महाराज अक्सर पढ़ा करते थे बड़ा प्रेम दे नाल गाते होंदे सी वाह जी वाह उन्हें याद करके हुण आपां वाक लैने आ सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी जेता समुंद सागर नीर परया तेते अगुण हमारे दया करो किछ मेहर पावो डूबले तारे दया करो किछ मेहर पावो डूबते पत्थर तारे डंडौत बंदन अनक बार कला समरथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकर देकर हाथ डोलन तेरा खो प्रभु नानक देकर हाथ वाहे गुरु साहेब जी सूही महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को पलिहारा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा आपे करने हारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा मेरे राम राए जो राखे त्यों रहिए तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा तिता लहिए आओ मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे सर धालाए सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला कुर्बान जाई उस वेला सुहावी
जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुर पूरा पाया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुर पूरा पाया सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी तन तन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवें पातशाह सूही राग दे विच की फरमा रहे ने कि पार ब्रह्म परमेसर सतगुर आपे करना हारा पार ब्रह्म परमेसर ऐसा परमेसर ऐसा मेरे सतगुर है कि पार ब्रह्म है ये मनुखी जीवन तो ऊपर उठ के जड़ा है पार ब्रह्म परमेश्वर सब मेरा परमेश्वर है मेरा सतगुर आप ही करना है सब कुछ आप करण करावन हार आप है चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा महाराज तेरे दर्शनानु मैं बलिहार जाना मैं तेरे दे वारे वारे जाना महाराज ए चरण तूड़ तेरी सेवक तेरी ये सेवक जेड़ा तेरा ये मंगदा तेरी चरणा दी तूड़ मंगदा तेरी चरणा दी रज मंगदा महाराज मेरे राम राय ज्यो राखे त्यों रहिए जिस तरह जिस हालत तू रखे महाराज असी उसे हालत रहिए हमेशा ऐसी कृपा कर उसे हालत रहिए मेरे कृपा कर महाराज हे परम पिता परमात्मा तुद पावे तो नाम जो पावे सुख तेरा दिता लईए जे तू तेनू जे पावांगे असी तेनू ये अच्छा लगेगा तो तू नाम साडे तो जपाएगा महाराज ए तेरा सुख भी तेरा दिता ही लेना है जेड़ा भी सुख मिलेगा तेरी कृपा तेरी रहमत तेरी दया दे नाल मिलेगा महाराज सानू जेड़ा मिलदा है हैं तुद पावे ना नाम जपाए नाम भी तां ही जप सकदे आ सुख भी तां मिलेगा जे तेनू असी पाईए जे तेनू ये गल पाए रहाओ मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए और तेरी सेवा जे करिए मन नाल तां मुक्ति भी मिलदी लिबरेशन भी मिलती है तो मुक्त भुगत है जी सारा जरा भोगते हैं अस कंफर्ट जीवन के जेडे आराम जरा सुख जरा भोगते हैं वह भी तेरी कृपा जुगत है भी रहन का जिम्मे आर्ट ऑफ लिविंग है किस तरह जीवन रहना है ये भी तेरी कृपा दे महाराज जे तू मत तू ही सिखा दे तेरी कृपा दे सिख सिखा किवें जीवन जीना जुगत है सानू ता ही आएगा वाल जीन दा भी तेरी सेवा जिस तू आप कराए तू आपे करवाना आपे महाराज सारे काम तू आप कराना जे तू चाहे ता ही हुंदा ता ही असीं इह सारा कुछ कर सकांगे मुक्ति आले पद्वार राह ते भी चल सकांगे भुगत भी मौज भी इत्थे लुटांगे ते नाल सानू रहन दा वल भी आ जाएगा जीवन दे जीन भी आ जाएगा जीना आ जाऊगा ते जे तू आप कराए ते कदे तू चाहे ता तहां बैकुंठ तहै तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे शरदाला वाह जिथे तेरा गुणगान होना है जिथे तेरा कीर्तन हो रहा है जिथे तेरा सत्संग हो रहा है जिथे तेरी गुणगान कर रही है संगत ओही उस जगह उन्हें बैकुंठ का दर देता है महाराज ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਆਹਾ ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾਲਾ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਨੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰ 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 ਨਾਮ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲਾ ਹਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਦੇ ਹਾਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਐਸੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਤਨ ਮਨ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਤੇਰੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਵਾਂ
मेरे सतगुरु दीन दयाल आए तो गरीबा साडे वर्गे दीन दयाल तो गरीबा दे दयाल होने वाले कृपाल होने वाले मेरे महाराज चरण कम तेरे चरणा तेरे जेड़े कमल जैसे चरण ने ऐसे खिड़े हो ऐसे सुंदर जेड़े चरण ने मैं उन्होंने वार वार धो धो के पीवा मेरे महाराज कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया ऐस कड़ी तो इस समय तो उस टाइम तो मैं ऐसा कुर्बान जाना भी किस वेले तू महाराज मैं आपके चरणा इतने जोड़ दिया आपके द्वार से बुला रहा जिस तुमरे जित तुमरे द्वारे आया मैं तेरे तो उस समय तो कुर्बान जाना जिस समय तेरे दर्शना मैं आ जाना जिस समय तेरे मैं दर्द आ जाना तेरे दर्शन पाना महाराज कुर्बान जाऊ सवेरे तो नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुरु पूरा पाया पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा मेरे ते कृपा हो गया नानक जी कह रहे ने गुरु पंचम पातशाह कह रहे ने कि जेड़ा ना परमेश्वर मेरे ते जिस वेले कृपा होना ना उस वेले सतगुरां नाल मिला दे वो कहते ने नानक को प्रभ भय कृपाला ऐसा कृपा कर दी ऐसा रहम कर दिता उन्हें सतगुर पूरा पा फिर हूं मैं सतगुर पूरा पा लिया हूं मेरा वह गुरु अर्जन देव जी महाराज के पिता जी भी उन्होंने सतगुरु गुरु रामदास जी पिता जी भी नाल उन्होंने गुरुदेव जी ये कह रहे ने मैं सतगुर पूरा पाया नानक को प्रभ भय कृपाला सतगुर पूरा पाया तो सानू ऐसे ऐसा प्रेम ऐसा जगा महाराज प्रेम कि साढ़े ते भी थोड़ा जा असर हो जाए गुरबाणी का संतान का भी असी भी आपके गुरु ना इन्ना प्रेम करिए जिमें गुरु अर्जुन देव जी ने किया एक घड़ी ना मिलते तो कलयुग होता ए गुरु नाल प्रेम आपके पिता नाल गुरु जेडे पिता भी तो गुरु भी उन्होंने इन्ना प्रेम किया महाराज साढ़े भी प्रेमा भगति बख्शो गुरु भगति बख्शो ताकि असी भी आपका इस कदमा से थोड़े चल के गुरबाणी दे दर्शाए हुए राहां ते चल के असी आपदा ए जन्म सुहेला करिए इत्थे भी ते उत्थे भी साडा सुहेला होवे महाराज है कृपा करो महाराज वाहवा जय जयकार तेरी करदे रही महाराज वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी चालू जी गाणी पूजा हां जी हां जी अंकल प्रियंका के नाम से है हां जी मेरा वैसे फॉर्मल प्रियंका फॉर्मल नाम अच्छा प्रियंका मैं अभी कह रहा था संगत को मैंने कहा भी वो उन्होंने जुड़ना था अभी कोशिश कर दे मैं अभी माता जी से ही कोशिश कर रहा था फोन पे बात कर जैसा आपने बताया वो वहां पे बिजी होंगे तो वाह वाह ये संगत जी प्रियंका जी के नाम से जुड़े हैं इनको पूजा भी हम कहते हैं तो ये उनकी पुत्री हैं बापू सुभाष जी महाराज की तो आज सुभाष जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम है सारी संगत की तरफ से आप आई हैं बहुत सुंदर लगा है अगर हो सके ना तो फोन को ऐसे रख सकते हैं थोड़ा तो थोड़ा और वाइड एंगल पे दर्शन हो जाएंगे नहीं तो कोई बात नहीं अगर कोई नहीं करना पड़ेगा हाँ वन लाख के अंदर कोई बात नहीं ठीक है तो आप पूजा आप बताएं बापू जी के बारे में हमें कुछ जो हमें पता भी नहीं होगा आप तो उनके पुत्री हैं तो आपको तो उनके जीवन के बारे में देखो है चले तो बड़े छोड़ के जल्दी चले गए लेकिन ये जो इनको ये इनका इनका आना भी सुंदर संसार में इनका रहना भी सुंदर और जाना भी सुंदर हम तो बड़ा यहाँ परेशान हुए ना जब गए पिछली बार एक साल पहले लेकिन ऊपर कितना स्वागत हुआ होगा बापू दया कृष्ण जी बापू हेमराज जी बापू कल्याण दास जी ओम जी महाराज बापू ज्वाला सिंह जी महाराज उनके चरणों में गए हैं ना तो वहां कितना उनका स्वागत हुआ होगा इसलिए उनको खुश हो गई याद करें मुझे पता है आपके पिताश्री हैं बड़ा उनको इतना मिस कर रही होंगी इस वक्त खास करके हर वक्त ही आते हैं माता पिता की याद तो हमेशा बनी रहती तो आप वो कुछ संगत को आशीर्वाद दें आप उनकी सूत्री आप भी पूजनी गए बताएं कुछ बापू जी के बारे में हां जी जय बापू दी ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी आज मौका आज मैं आज
माँ क्या आज तो मेरे आवाज भी नहीं निकल रही है, मन कोई बात उदास और इतनी दूर आज एहसास हो रहा है कि इतनी दूर आप आउट ऑफ कंट्री हो और आप पहुंच नहीं पाए हो, तो बहुत ही मन दुखी और बस क्या कहें कि लगता तो नहीं है कहीं गए हैं आज। हाँ, बिल्कुल साथ है और बोलते हैं हम भाई बुद्ध प्रकाश अंकल कितनी बार टाइम, कई बार ऐसे हो जाता था जॉब की वजह से कि नहीं ज्वाइन हो पाता था। हाँ, और मैं बहुत ही बापूजी आशीर्वाद दे सारी संगत को, मैं तो उनके वो शब्द याद करती हूँ जो महाराज जी बोलते थे कि हजारों महफिलें होंगी हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा न जाने हम कहाँ होंगे। तो आज जो वो उनके वो जो वर्ड्स हैं याद आते हैं, पता नहीं आप बच्चे हो के बेटे हो के मुझे लगता है कि वो ये क्यों बोल देते थे, शायद हम समझे नहीं, शायद हम समझे नहीं, इतना मतलब इतना प्यार, इतने पाक पवित्र और इतने प्योर सोल थे वो, बहुत ज्यादा संगत के लिए उनके अंदर संगत में उनका वास था सच में। हमने अपने पिताजी को जीवन में हमेशा संगत के लिए समर्पित देखा है, उनको इतना ज्यादा प्यार था, इतना ज्यादा था कि दरबार के लिए मैं क्या क्या कर दूं, ऐसा जिस जगह वो जाते थे वो यही देखते थे कि मैं क्या चीज कर दूं। बेचारे अस्पताल में भी थे तो वहां के पर्दे देख के भी वो बोलते थे ये पर्दे क्या मंदिर में लग सकते हैं अगर हम इसका इस तरीके से डिजाइन हो, मतलब उनके हर श्वास में हर सेकंड में मतलब जिस जगह उन्होंने जाना परमात्मा मतलब बापू जी उनके रोम रोम में बसे हुए थे। इतना ज्यादा आज मैं कुछ शायद बोलने के उसमें हूँ नहीं, मेरा मन बहुत ज्यादा दुखी है, मैं मतलब क्यों चले गए वो हमारे, तो इतनी कोई बात नहीं समय है कि देखो कहते कि जितना वो जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदी उठे जाए, उसकी उसकी मौज है। मुझे पता है बड़ा मन आपका बेचैन है विचलित है, लेकिन उनको हम याद करेंगे ना ऐसे परेशान होकर तो फिर वो अच्छा नहीं है। वो संत लोग है ना, संतों को है वो कहते हैं ना कि संत को क्या रोई है जो अपने घर जाए रो, संत मारे जो घाटों घाट बिताया, आपको तो मैं पता है मैं समझता हूँ पिताश्री है, लेकिन हमें उनको खुशी होगी याद करा था वो भी परेशान ना हो। जब बच्चे परेशान होते हैं ना तो माता पिता को तो वो खुद परेशान होते हैं, हमें उनके सुंदर जीवन इतना सुंदर जीवन उनको तो बहुत ही सुंदर बहुत ज्यादा इतना ज्यादा पाक पवित्र इंसान बहुत ज्यादा। तो उन्होंने ये देखो आखिर तक वो कहते रहे भी संगत में भी दरबार जैसे पर्दे वगैरह और कुछ और उनकी बातें बताओ, कमाल है कमाल बापू जी। हर समय उनको था कि मैंने दरबार के लिए मेरी संगत आ रही है, हर का नाम याद, हर के घर के बच्चों का नाम याद, हर किसी के परिवार का सब कुछ। ऐसे हम कई बार देख के वो होते थे कि कैसे इनको याद रह जाता है, जब एक सेकंड के लिए भी देखते थे बैठे बैठे वो उनकी मेमोरी इतनी शार्प थी कि वो इतनी दूर दूर का भी उनका कोई रिश्तेदार था तो वो बोलते थे ये नूरशाह से जुड़े हुए हैं, इनके परिवार के बच्चे हैं, उन बच्चों के ये नाम है, इतना ज्यादा उनका दरबार को लेके था। तो बस मैं तो उनके लिए यही बोलूंगी कि जो एक दो तीन लाइन कि बापू दया किशन का तू साया, हर कण कण में तू है समाया, बापू दया किशन का तू साया, हर कण कण में तू है समाया, सरस्वती माँ का लाल दया तेरा स्वभाव, सरस्वती माँ का लाल दया तेरा स्वभाव, ओम बापू शरणम की निशानी रहे निशानी रहे, ओ बापू ओम। और हमें पूरा बापू जी का वो है इतना कि जहां पे भी वो होंगे वो सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे, उस सब पूरी संगत को दरबार सबको वो दिल से खुशी आशीर्वाद
ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे, इतना ज्यादा उनको प्यार था। और हमारे को इच्छा है कि हम जितना दरबार का महाराज जी का जितना बढ़ बढ़ के जो भी हो सकेगा जीवन में आखिरी श्वास तक हमने उनका वो नाम उनका जो भी मान सम्मान वो चाहिए था वो बना के रहे। हम बच्चे हम कुछ नहीं कर सकते, बस हमारे पिताजी जहाँ भी हैं वो खुश हों ठीक हों सबको आशीर्वाद दें। मन बड़ा दुखी है, पता नहीं आज मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बड़ी कृपा की आप आ गए, आज बड़ा ही आनंद हो गया ऐसे जय महाराज साहब के। पूरी रात नहीं मैं सोई, बड़ा मन विचलित था, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी इतनी अब। लेकिन महाराज जी बस जैसे बापू जी का आशीर्वाद उनपे, उनकी खुश रहे संगत को आशीर्वाद बना रहे साथ बना रहे। ये है जीवन, देखो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और माता जी की मैं कोशिश की लेकिन नहीं मिल सके, अगर हो सके तो देखते हैं एक मिनट के लिए अगर आपके दर्शन दे दें माता जी आपके जो, तो बड़ा जो ये बड़ा अच्छा है कि देखो महाराज साहब तो गए लेकिन माता जी ने ऐसा संभाल लिया संगत को दरबार को कि इतना आनंद मिल रहा है संगत को। बड़ी खुशी उनको देख के, इतने सुंदर भजन गाते हैं प्रवचन करते हैं, बड़ा ही आनंद आ रहा है जीवन में। उनको तो मिस करेंगे महाराज को, लेकिन माता जी ने खूब अच्छे तरह संभाल लिया है, अपने आप को भी संभाला है, संगत को भी संभाला है, दरबार को परिवार को सबको बहुत ज्यादा। मैं अगली बार जरूर ज्वाइन करके मैं अब आज बापू जी ने शायद मेरा रास्ता खोलना होगा। हाँ आज के दिन आपने शुरू किया, पता क्या मैं यही बता रहा था, संगत को सिर्फ प्यार नहीं देते थे, आशीर्वाद नहीं देते थे, मान सम्मान भी साथ में देते थे। इतना मैं बता नहीं सकता किस हिसाब से वो इतना प्यार देते थे, मैं क्या बताऊं अभी, बड़ा ही सम्मान देते थे। ये बड़ी बात होती है अपने सेवकों को मान भी देना, साथ में प्यार भी देना, आशीर्वाद भी देना, बड़ा ही आनंद उनके साथ बड़ा समय। बापू दया किशन जी महाराज के दर्शन किए मैंने, बड़ा सुंदर उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, और बापू सुभाष जी महाराज जी का भी बहुत सुंदर। वाह वाह, तो मैं यही बता रहा था कि वाह जी वाह कि मैंने मुझे कि महाराज जी साहब का बड़ा आशीर्वाद रहा है जीवन में। वाह हाँ जी, तो वाह मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला करता था, सारी संगत के साथ ही बड़ा प्रेम था। जिस आपने बताया ना अभी, जो आपने बताया अभी आखिर सांस तक आखिरी दिनों तक भी हॉस्पिटल में बैठ के दरबार के बारे में सोच रहे हैं, प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, संगत के बारे में सोच रहे हैं। तो दोला ने वो जो हमारा वो पढ़े करते हैं वो भजन बड़ा सुंदर है कि हर सांस में हो सिमरन तेरा यूं बीत जाए तेरी करते बीते सांस हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए तो हम भी प्रभु से ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं, बापू सुभाष जी से, बापू दया किशन जी से, ओम बापू नारायण दास जी से, बापू शरदा राम जी से, बापू हरुभान जी से, और सभी संतों से कि हमें भी प्रेमा भक्ति बख्शो महाराज। जैसे वो कहते थे उठो जागो वीरो प्रेमा भक्ति दी लोड़, ये महाराज जी बापू शरदा राम जी ऐसा फरमाया करते थे, तो वो हमें प्रेमा भक्ति बख्शे। ऐसा आप भी अरदास करो अपने पिताश्री से, अपने दादाजी से, ताकि हमें भी थोड़ा संगत इस तरफ जब जुड़ी हुई महाराज ने जोड़ा है, कृपा की हुई है, तो सत्संग जो 3 घंटे चलता है हमारा ये बस चलता रहे, ऐसी हम अरदास करते हैं प्रभु से, जरूर चलता रहेगा। बहुत ज्यादा महाराज जी खुश होते थे, आपका फोन आता था कि दरबार का, वो बोलते थे कि देखो इतनी दूर बैठे हैं अदर कंट्री में बैठ के भी कैसे हर समय भगवान बापू जी का नाम, बापू जी का, मैंने आपका वो आईटीवी पे भी देखा आपका अच्छा। जो इंटरव्यू आया था मैंने आपको शेयर भी किया था अच्छा। तो बहुत ही अच्छा, वहां पे भी देखो आप बापू जी का दरबार का नाम, मतलब ये बहुत बड़ी बापू जी की कृपा होती है, ये किसी किसी पे होती है, हर कोई नहीं कर सकता।
बापू जी का कोई आशीर्वाद ही होता है कोई, कि जैसे आपका ये प्रेरणा दी हुई है बापू जी ने, वो आशीर्वाद बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आपको बापू जी की परिवार को, सारी संगत को जो भी साथ में जुड़ते हैं, बहुत बड़ी चीज होती है ऐसे रोज समय निकालना और बापू जी को याद करना। हाँ जी हाँ जी, ये सब जुड़ते हैं तो हो पाता है। यहाँ तीन घंटे कहाँ, खुद मैं बैठ के सोचू मैं भजन गा लूंगा या बापू की महिमा कर लूंगा, कहाँ होता है ना जी ना। तो सारे मिल के जो वो और भी प्रभु को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है आज वो शायद मेरे को बापू जी नहीं आपसे जोड़ना था, आज उन्हीं का दिन है, शायद आज उन्हीं नहीं जोड़ना हाँ। था मुझे ऐसा हाँ, फील हो रहा है खुद से। तो आप देखिए, आप कब से बोल रहे थे, हाँ जी जरूर, मैं भी भजन, मैं भी उनको क्या कर सकते हैं उनके लिए, एक हम जो भी भजन एक याद करके कुछ भी है, मेरे को भी मिलेगी प्रेरणा, मैं भी साथ में जुड़ूं, मुझे भी बापू जी आशीर्वाद दें। वाह वाह संगत जी, ये प्रियंका जी इनको पूजा भी प्यार से बुलाते हैं सब, और ये न्यू जर्सी में होती है आजकल, यहाँ न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के पास ही न्यू जर्सी स्टेट है अमेरिका में, तो वहां पे होती है। तो आप सब एक एक करके इनको, इनसे बात करके, इनसे को पूछना है या कुछ, इनको महाराज जी साहब का खुद का आपका कोई रहमत का किस्सा बताना हो तो आप प्रणाम कर सकते हैं भाई, प्रणाम भी कर सकते हैं आप, उनकी उनकी वंश है आप, बापू दया कृष्ण जी, बापू सुभाष जी महाराज, सब संगत में उनका वास है, सब संगत में उनका अंश है आप। वाह हाँ जी, सारे सारे कर लो नागपुर, सारे नमस्कार कर, नमस्कार जी, जय बापू जी, जय बापू जी, जय बापू जी। मैंने आज ही ना वो 1994 की एक वीडियो भेजी, उनमें सुभाष बापू अभी गद्दी ऋषि नहीं हुए थे, तो बहुत सुंदर, माता जी को भी दिखाई थी मैंने वो। अच्छा 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 अच्छा, भेजिएगा मुझे भी भेजिएगा। जय जय बापू जी, हमारे ग्रुप में डाली है मैंने, ग्रुप में आपने। अच्छा अच्छा, ग्रुप में डाली है। हां जी मैं हूं, बहुत अच्छा लगता है आप सबको देख के। हमारे तो वहाँ मंडी गोविंदगढ़ में रहते थे ना, तो हमारे घर में आते जाते थे। अच्छा, अभी जीवन मेरा, जीवन जो है मेरा भांजा है, अच्छा तो उन्होंने उधर हमारे घर में जो भजन गाए थे ना, वो खेवट वाली कथा बहुत गाते थे वो, तो हाँ वो आज मैंने यही सुनाई है, खेवट वाली, अगर पार अच्छा जाना हाँ चाहते हो हाँ जी। हाँ वो बहुत उनको फेवरेट थी उनकी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैंने आज यही सुनाई है, अब इसकी वीडियो में देख लेना बाद में आएगी ना रिकॉर्डिंग वाली, उसमें वो जय बापू जी। हाँ जी, जय बापू 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 जी, सभी संगत को जय सच्चिदानंद जी, जय सच्चिदानंद जी, जय हमारे पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में हमारे पिताजी के मित्र थे अपने बापू दया कृष्ण जी, अच्छा वाह वाह, बहुत उनके साथ हम बस इकट्ठे हुक्का पीते थे ना जब। हाँ जी, मेरे नाना जी के भी बड़े परम मित्र, बहुत बहुत प्यार, हमारे मिंटको में रहते थे हम, तो मूर्छा में वही वहाँ बहुत मित्र थे, एक वो मित्र थे, एक महंत खान चंद जी जो जलंधर वाले थे। हाँ जी, मैंने नाम सुना है। हाँ जी, हाँ बापू, हाँ बापू दया महाराज, हाँ जी, हाँ जी, एक बार पूरा बापू दया कृष्ण जी महाराज ने पूरी ऐसे कर लिया था, तैयारी कर ली थी जाने की ना, बेहतर कार होती थी बाइक, ड्राइवर ने सारा सामान उनको करियर के ऊपर बांध, सारी तैयारी होगी जाने के लिए, अब और से एक हफ्ता रुके थे, तो क्या वो नाना जी का साथ वाला घर था, मेरे ताई जी को वहीं पे रुके थे, तो वहां के मेरे माता श्री ना बहुत सुंदर गाते थे, बड़ा प्रेम भाव पूर्ण, बड़े सुंदर गाते थे, तो उन्होंने वो भजन पढ़ा के फूल ना मांगो खिड़ दी जावा, जरा ना मैं मुरझावा ए दिल जावदा, तो ये बड़ा उनको बोल को सतगुरु प्यारे तेरे दर्शन मन मेरा मोलिया,
जन्मदा कुकर्मी मन गुरु चरना दे वेच धोलिया मम हिरदे तव चरण टिकावा ज्योति ज्योत मिलावा ए दिल चा। वो जाते हुए महाराज जी के माता जी ने कहा मैं एक भजन गा ये वाला भजन गाया तो महाराज जी इतने दयाल हो गए दया के भंडार दया कृष्ण भंडार प्यारे सदा ओम धुन में है सरसार प्यारे ये पिताजी ने लिखा है। तो वो वाला भजन सुनते ही कहते ड्राइवर को मैं नाम भूल गया उसका तो वो कहते अभी वो निकाल ले सामान सारा उतार दे यही रहेंगे अभी दो चार दिन और इतना इतने मतलब इतना प्रेम इतना मान देते बहुत ज्यादा था बहुत ज्यादा था बड़ा प्रेम उनको पाया। शिवाजी महाराज भी बहुत सुंदर बड़ा उनका ऑरा ऐसा शिवाजी महाराज का जहाँ बैठते थे शहनशाह की तरह उनके पिताश्री भी और खुद भी आनंद हो जाता था। वाह संगत जी कोई और कोई कोई शेयर करना चाहता है बात जी। हाँ जी अभी गुरु पूजा पे गए थे सहारनपुर। अच्छा तो वहाँ एक भगत जी बता रहे थे कि मेरे यहाँ लड़की हुई तो उन्होंने फोन किया सुभाष बापू जी को कि इसका क्या नाम रखना है लड़की का शेंकी की बेटी। हाँ जी शेंकी की बेटी। हाँ उन्होंने नाम ऐसे बताया ना कि रिद्धि रख लो या सिद्धि नाम रख लो दोनों में एक नाम रख लो तो उन्होंने कहा जी चलो रिद्धि नाम रख लेते हैं। अब उसके यहाँ दोबारा लड़की हुई जब सुभाष बापू जी चले गए तो उन्होंने माता जी को फोन किया गुरु माँ को। गुरु माँ ने कहा कि मैं 5 मिनट बताती हूँ आपको फोन करती हूँ 5 मिनट फोन करा तो उन्होंने कहा नाम इसका सिद्धि रख दो। जो ऐसा है मैं तो कह रहा हूँ उन्हीं की जोत है वैसे इनकी इनका प्रभु इनकी लंबी उम्र करे इनको स्वस्थ रखे और इनका आशीर्वाद बना रहे माता मिथिलेश जय जय बहुत सुंदर। और आप आ गई तो ये थोड़ा सा देखो सोने का आ गई सारी नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे महाराज जी मिल गए हैं मुझे ऐसा जैसे वो संगतों में ही वो बसे हुए थे तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है कि संगत में ही जैसे उनका वास था तो मेरे को संगत से मिलके मैं इतना अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं इतनी बेचैन थी रात भर नहीं मैं सोई लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है वो मिल गए मुझे मतलब पता नहीं इसीलिए शायद आज मिलाया हमने अमृतवाणी का पाठ उनके निमित्त किया था सुबह। हाँ इंडिया में सुबह के हिसाब से कल रात को था या सैटरडे नाइट को भी होता अमृतवाणी किया अपना सैटरडे नाइट को रात को 10 बजे से 11:30 बजे तक वहाँ पे ना 7:30 से 9 बजे तक तो वो भी होता है। तो वहाँ पे दिन चढ़ गया था बापू जी का दिन आ गया था अमृतवाणी का पाठ तो आ रहा है की मेरे को आज महाराज जी ने जोड़ा है संगत से तो वो एक मोनिका है वो मोनिका अभी आई है तो उन्होंने वो पाठ किया अमृतवाणी का पाठ किया उनके लिए श्री राम आज का दिन उनके लिए सारे जो भी भजन कीर्तन हुआ है भजन कीर्तन सारा उन्हीं के मुझे तो खुद मेरे को भी यही है कि मेरे को आपसे जुड़ाया उन्होंने बस आज। लेकिन देखो पता क्या है कि वो तो खुद मतलब के प्रभु का अंश है संत जन जो होते हैं प्रभु के अंश लेकिन फिर भी आज के जो आज का जो सत्संग का जो सुबह हुआ है शाम को तो सत्संग का सारा फल महाराज जी के चरणों में बस उनको वहां पे वहां से हमें भी आशीर्वाद देते रहिए हम ऐसा एक आस है एक ऐसा विश्वास है हाँ जी। कोई और कांता बहन जी कोई किसी और ने कोई और कोई हाँ जी नहीं शालू जी जी चार लाइन सुनाने लगे थी ना बापू जी दिया वो सुन लो जी शालू जी तो हाँ। सोनिया सोनिया का भी बड़ा प्रेम सोनिया भी आपके वहां पहुंची थी जब महाराज जी के ना सोनिया वहाँ रुद्रपुर के पास है होती है सोनिया और ये भी ये भी वहाँ पे महाराज दरबार में पहुंची थी वहाँ पे हाँ जी, हाँ जी। पिछले साल हाँ, दर्शन करवाए थे जय बापू जय बापू जय बापू जय बापू जय बापू जय बापू जय
बेटी जुड़ी है साथ। हाँ मान्या बापू जी का एक फेवरेट भजन गाना चाहती हूँ। दो मिनट शालू जी को गा लेना, दो शालू जी के बाद आप गा। ओके शालू जी सुनाओ, बच्चे पर रोक लिया थी ना। मैं भी वही भजन बोल रही हूँ जो महाराज जी के बाद माता ही ने भी दो बार माता ही के मुंह से सुना मैंने दो बार ये। दरवाजा बंद कर देना ठीक है। होती पूजा होती बाकी सब अपना म्यूट कर लो प्लीज। नागपाल जिस घर में मेरे सतगुरु रोज आते वहां घर घर में उजाला करते हैं सबकी झोलियां खुशियों से भरते हैं जो भी आरती पूजा करे सतगुरु जी का दर्श करे जो भी आरती पूजा करे सतगुरु जी का दर्श करे मेरे सतगुरु रोज आते वहां श्री आरती पूजा होती है जिस घर में मेरे सतगुरु रोज आते वहां अपने भक्तों के रहते पास सदा सिर पे रखते दया का हाथ सदा रहमत के हैं भंडारी सारी दुनिया इन्होंने तारी रहमत के हैं भंडारी सारी दुनिया इसने तारी मेरे सतगुरु रोज आते वहां श्री आरती पूजा होती है जिस घर में मेरे सतगुरु रोज आते वहां जो श्री आरती पूजा करे सतगुरु उसके ही घर में वास करे सतगुरु कृपा करते हैं शान से झोलियां भरते हैं सतगुरु कृपा करते हैं शान से झोलियां भरते हैं मेरे सतगुरु रोज आते वहां इनकी माया को कोई ना जान सका अपने भक्तों को देते हैं मान सदा इनकी माया को कोई ना जान सका अपने भक्तों को देते हैं मान सदा जिसने इनसे प्यार किया उसका हरदम साथ दिया जिसने इनसे प्यार किया उसका हरदम साथ दिया मेरे सतगुरु रोज आते वहां श्री आरती पूजा जिस घर में मेरे सतगुरु रोज आते वहां। वाह जी वाह बहुत सुंदर शालू जी के शालू जी और सोनिया। हाँ जी मैं इस बार रुद्रपुर गई हूँ ना। अच्छा मेरे भाई के गुरु भी वृंदावन के हैं जब मैं उनके घर में गई तो सुभाष जी महाराज और दया किशन जी महाराज का स्वरूप रखा हुआ मेरे अपने भाई से बोला मेरी छोटी बहन एक इच्छा में रहती है उसने भी रखा हुआ क्योंकि महाराज जी रुद्रपुर में बड़े सत्संग करते थे बैंकेट मंदिर जाते बिल्कुल बिल्कुल रुद्रपुर मंदिर में बहुत सारे जाते थे गदरपुर बड़ा ही सुंदर था जबकि उनके गुरु और हैं लेकिन उन दोनों के घर में उनका स्वरूप देखा मैंने अपनी मम्मी के घर में महाराज जी का बहुत प्रेम
गदरपुर में इतना भव्य मंदिर बनाया उन्होंने, बहुत सुंदर। हाँ जी, मैंने महाराज जी सुभाष जी का देखा तो मैंने अपने भाई से पूछा, मैंने कहा तुम तो उनको मानता, तो उनकी कैसे ले आया प्रतिमा? कहता बहुत अच्छा सत्संग करते थे, इनको बस इनकी याद, मेरे को इनको देख के ना मेरे मन में कुछ होता है। मैंने इनका ला के रखा हुआ है। जय हो, क्योंकि ये उनको इतना कंट्रोल था, ये शायरी और ये कबीर साहब के दोहे और इतनी सुंदर जो एग्जांपल्स देते थे, और एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, जब वो चाहे एक घंटा हो या पूरा प्रवचन, बहुत सुंदर प्रवचन। हाँ जी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बड़ा साथ में संगीत के साथ एक गाना बड़ा ही आनंद। हाँ जी, सोनिया जी हाजी लगवा लो, सोनिया लगवा, सोनिया आप म्यूट कर लें और आप लगवा लें। पूनम जी भी जुड़ी हुई है, सिल्की की मदर इन लॉ भी, आप भी अगर आप, हाँ जी लगाओ लगाओ सोनी। श्री सुभाष बापू जी महाराज आपकी सदा, बापू दया किशन जी महाराज आपकी सदा, गुरु माँ मिथिलेश जी महाराज आपकी सदा, जय में ऐसा जानती प्रीत करी दुखे होई, नगरी की दास प्रीत की प्रीत करियो होई, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूरो रो कहे ओ, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यूरो रो कहे, क्या होती है आंसू क्या पीड़ा होती है, क्या होती है आंसू क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है क्यों आंखें रोती है, एक बार आंसू तो बहा कर देखो सावरिया, राधा यू रो रो कहे ओ, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे, जब कोई सुने कान्हा तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब कोई सुने कान्हा तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, एक बार जरा तुम ताने सुन कर देखो सावरिया, राधा यू रो रो कहे ओ, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा क्या होती निराशा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा क्या होती निराशा, एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सावरिया, राधा यू रो रो कहे ओ, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया, राधा यू रो रो कहे, पनघट पे मधुवन में
वो इंतजार करना कहीं शाम तेरी खातिर यो घट घट के मरना पन घट पे मधुवन में वो इंतजार करना कहीं शाम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना एक बार किसी का इंतजार करके देखो सावरिया राधा यूरो रो कहे ओ एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सावरिया राधा यूरो रो कहे राधा यूरो रो कहे जय बापू जी जय बापू जी जय राधा जी की जय बहुत सुंदर सुनाया बहुत सुंदर बड़ा प्रेम पूर्वक आपका बापू जी घर पे आप जब भी आते हैं गदरपुर में हमारे घर जरूर आते हैं फेरा डालने चंद्रन डालने अपने अच्छा तो मुझसे कहते हैं सोनिया बेटा सबसे पहले आप मुझे भजन सुनाइए तो मैं ये महाराज जी का फेवरेट भजन था हाँ जी हाँ जी हाँ जी पहले भी सुनाया शुरू शुरू से मैं जैसे बोलती थी बापू जी हमेशा याद करते थे सोनिया बच्चा को बुलाओ भजन सुनाए पहले सोनिया बच्चा को बुलाओ बहुत ही प्यार ऐसे सीने से लगाना मुझे आके घर पे जैसे से मेरे सारे दुख दूर हो जाते थे क्या हुआ क्या हुआ मुझे आप सबसे मिलके ऐसा लग रहा है मेरे को महाराज जी मिल गए यार हमारे एक बार मेरे मायके में एक बार हमारे घर पे किसी के घर पे आए तो वहां पर मैं पहुंची नहीं थी तो स्पेशल मुझे वहां पे बापू जी ने बुलाया कि सोनिया नहीं आई मैं लेट अच्छा। पहुंची थी बेटी परेशान कर रही थी तो इसलिए मैं पहुंच नहीं पाई जल्दी तो फिर मैंने वहां पे लेट पहुंची फिर अंदर रूम में जहां रेस्ट कर रहे थे वहीं पर बापू जी ने मुझसे कहा कि भजन बोलिए नहीं नहीं बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर हाँ जी कोई और हाजिरी लगाना समय तो हो गया वैसे समय हम कोशिश करते हैं अभी यहाँ 10:30 पे है पूनम जी तो 10:30 तक कोशिश करते हैं मुँह डालने लेकिन कभी कभी जो ऐसे ऐसे आज उसमें थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है हाँ जी अभी घर पे गुरु माँ जी भी आई थी कुछ दिन पहले जब यहाँ पे भंडारा हुआ था हाँ जी हाँ जी गुरु माँ जी भी घर पे आई थी बहुत खुशी हुई आई एकदम से ऐसे बापू जी ऐसे लगा कि बापू जी ही घर पे आ गए हैं अचानक ही सुबह कॉल आ गया कि आज शाम को आ रहे हैं तो बस इतनी खुशी के सारा दिन कैसे बीत गया तैयारियों में पता ही नहीं चला बस इसी बस आपके साथ जुड़ी रहूं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अभी चलो नहीं नहीं बहुत ही सुंदर हम सब साधक हैं सभी विद्यार्थी हैं सब हाँ जी महाराज अपने आप मैं तो अभी आप मानोगे नहीं अभी ना मैं बापू जी की जैसे जो जला रही थी तो आरती वगैरह कर रही थी तो मेरे को ना आपका ख्याल आ रहा था मैं कैसे मन में आ रहा था कि बुद्ध भैया हमारे घर पे आए घर में रौनक सी लग जाए ऐसी में फूले में समा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे आरती में मैं भगवान जी की कर रही हूँ लेकिन मेरी आंखों में ध्यान आप जी का था मैं क्या बाबा भैया जब भी कहीं आएंगे रुद्रपुर तो भैया को जरूर घर पे बुलाऊंगी ध्यान भैया किसी के घर पहुंचते ही नहीं है फरवरी की तो मैं बहुत खुश थी मैं चलो भैया आएंगे तो मैं बुलाऊंगी भैया आएंगे तो बुलाऊंगी फिर आपका कैंसिल हो गया यहाँ आना फिर आप सीधा वहीं चले गए नहीं नहीं जरूर प्रभु कृपा करेंगे जो भी भगवान जाला है तो जरूर आएंगे वहाँ पे आपको सबको मिलेंगे ये देखो जो जो बापू जी है ना वो तो भैया अभी ऐसे लगा ना मैं जब आरती कर रही पूरी आरती मैंने पढ़ ली है लेकिन ध्यान में ऐसा कि आप घर पे आए हो खूब सारी तैयारियां करी हैं और बस मैं आपसे बातें कर रही हूँ बस यही मेरे ख्याल में आता गया
थैंक यू सोनिया फॉर योर लव। बहरा पता क्या है, मैं ये कह रहा था जो संत लोग है ना, महाराज जी साहब तो सारे, मैं भी बता रहा बापू दया किसी जी, बापू हरगोवान जी, सारे संत लोग, ये बापू लांबड़े वाले सारे दरबारों पे इतना प्यार, इतना आशीर्वाद देते हैं, मान भी देते हैं। वही ये संगत कर रही है, ये संगत अभी ये, मैं तो बहुत एक अदना सा सेवक हूँ बापू जी का, और मुझे मान देते हैं, ये वो करने वाला है जो प्रभु जो है ना, इतना ये जो आप आप जी में बापू जी का ही रूप दिखता है भैया। काफी शिक्षा देते हो, सीखने को मिलता है। एक सेवक इतना बन जाए उनके, तो ये जो है ना, ये मुझे वो रैदास जी की है, दो लाइनें याद आ रही है, ये सब मान देने वालों है। सत्संग चल रहा था, सत्संग अंकल जी, हाँ ठीक हो अंकल जी, हाँ जी सब ठीक है अंकल जी। बस सत्संग, बापू जी का सत्संग जोड़ के बैठी थी, देखिए जय बापू जी का सत्संग में जुड़ी हूँ, सब सत्संग कर रहे हैं। फादर इन लॉ है, जय बापू जी, बहुत सुंदर, नमस्कार है आपको, आपको भी बधाई, आपकी डॉटर इन लॉ इतना इस तरह जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर बात है। बाहर गए हुए ना लखीमपुर, तो कल की वापसी है, दो तीन दिन से गए हुए हैं। ठीक है सोनिया, यूपी लखीमपुर गए हैं। वाह, ये जो हाँ, ये इसमें पूजा, ये जो जो मांस मान जो संत है ना, ये उसकी कृपा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा उसमें, पता क्या ये जो पता क्या होता है, ये जो मान, ये प्रभु करवाने वाले कौन है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरो, गरीब निवाज गुसैया मेरो, माथे छत्र धरे, माथे छत्र धरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन कर। ये प्रभु के अलावा कौन करता है, ये जो मान सम्मान मिलता है इस जीवन में, ये सब उनकी कृपा है, बापू जी के आशीर्वाद, बापू जी का बहुत प्यार, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मुझे। आज भी ध्यान है, हम बहुत छोटे हुआ करते थे, आप आते थे, दया किशन जी महाराज जी, हमारे दादाजी, वो उनका वो रूम होता था आगे जाके, तो मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, आप पूरे परिवार के साथ जब आते थे, और बहुत ज्यादा प्यार, हमने तो बचपन से हम संगत के साथ देखते आ रहे हैं, दादाजी, फिर हमारे पिताजी, सब संगत के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा मान सम्मान प्यार सब कुछ, मतलब पूरा जीवन ही उसी में ही समर्पित है, मतलब दादाजी फिर पिताजी सबका ही देखते आ रहे हैं, और अब हमारी मदर कर रही हैं, माता जी कर रही हैं, तो वो और अच्छा लगता है वो देख के कि वो चीज बड़ी ही है। वो शुरू से आपके माता श्री को जब बापू जी थे तो तब कितनी देर से इतने स्माइल, हाथ शी हैज कांस्टेंट स्माइल ऑन हर फेस, संगत को देख कितनी खुश होती है, आरती पूजा सारा बड़ी सेवा पहले से कर रही है, बहुत ज्यादा। हाँ जी, बस ये बापू जी का ही आशीर्वाद होता है, वो ही हिम्मत देते हैं, तो वही होता है। नहीं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे को महाराज जी मिल गए हैं संगत के रूप में, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। बड़ी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बहुत सुंदर, वाह वाह। चलो माता जी को ना हमारी तरफ से, सारी संगत की तरफ से प्रणाम करना चाहते हैं, कोशिश की थी लेकिन बात बन नहीं पाई, आज वहाँ पे वहाँ भी संगत बड़ी आई होगी ना, इतना फंक्शन हुआ है, तो नहीं बात नहीं बन सकी। चलो कोई बात, ठीक है, तो विश्राम की तरफ चलें, हाँ जी, हाँ जी,
हमें तो महाराज जी साहब गए नहीं, प्रोग्राम हर साल होता था, अब जब से वो गए 2 साल से प्रोग्राम ही नहीं हुआ, बीमार हो गए। रोहिणी में होता था वो उषा अरोड़ा जी और ऑर्गेनाइज करते थे बंसल भवन में जाना और इतना प्यार देना, हमेशा कहना मैं सूरत गया, आपके घर भी गया था, अजय बुलाते हाँ जी अजय भैया हाँ जी हाँ जी जाता हूँ तुम्हारे घर जरूर होके आता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हमारे बच्चे एक बार बाहर से आ रहे थे तो ऐसे ही गाड़ी रास्ता लिखा होता सहारनपुर, बेटे ने कहा गाड़ी मोड़ लेते हैं महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं, मैं फर्स्ट टाइम गया तो कहते दरबार में जा रहे हैं उसको लेके जाए, उसको बोला प्रसाद दे दो बेटी बांध दी महाराज जी को, कहा महाराज जी प्रसाद लाया हूँ फर्स्ट टाइम आया हूँ और फर्स्ट टाइम मैंने खरीदा है, मेरे पापा खरीदते हैं मुझे नहीं पता कैसा है, महाराज जी कहते हैं बेटा ये तो बहुत अच्छा है प्रसाद नहीं है, ये तुम्हारा एक प्यार है और प्यार है अगर तुम कैसे अगर तुम नहीं, उन्होंने उसी टाइम खोली पेटी आम की और सब में बांट दी, कह रही आम तो बहुत स्वादिष्ट लाए, तो इतना प्यार खुश होते थे हर बार, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ही खुश होते थे। अभी भी माता जी आए थे सतपाल जी के वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आए थे, बड़ा आनंद आया, काफी देर हम बैठे रहे पास बिठाया, इतना प्यार दिया, इतना अच्छा लगा, माता जी कहते मेरी तो जिंदगी संतों के साथ बड़े अच्छे से बीत रही है, तुम्हारे लोगों में प्यार बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, उनका भी पूरा समर्पण हो गया है संगत को, बहुत ज्यादा प्यार देते था, बहुत बढ़िया। गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, मेरा तो बापूजी आपने जीवन बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार सिखा दिया, रहते हैं जलवे आपके जीवन में हर कई, रहते हैं जलवे आपके जीवन में हर कई, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया, मेरा तो बापू जी आपने जीवन बना दिया, भूला हुआ था रास्ता भटका हुआ था मैं, किस्मत ने मुझको राह में सतगुरु मिला दिया, किस्मत ने मुझको राह में सतगुरु मिला दिया, मेरा तो जीवन बापू जी आपने सवार दिया, जिस दिन से मुझको आपका दीदार हो गया, दोनों जहां को दास ने दिल से बुला दिया, दोनों जहां को दास ने दिल को दिल से बुला दिया, मेरा तो बापू आपने जीवन बना दिया, मेरा तो बापू आपने जीवन बना दिया, गुरुवर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुवर आपके प्यार ने जीना सिखा दिया। जय बापू जय नाम देते हैं ठीक है, बहुत आपका धन्यवाद पूजा। अच्छा कविता आ गई, कविता प्रणाम कर लो इनको, बापू दया किशन जी की पोती, बापू सुभाष जी महाराज की पुत्री जुड़ी हुई है प्रियंका के नाम से, इनका पूजा भी बुलाते हैं हम, है तो ये कविता है संचालन। जय बापू दी जय बापू दी जय बापू दी। हाँ जी हमारी तो शादी आए थे इनके घर, शादी करने आए थे उषा जी के साथ। अच्छा हाँ जी उषा आंटी के साथ।
ये तो कथा गुरंटी करते रहती है। आज इनके घर पे सत्संग एक और होता है शाम को संडे को ना, अभी ये जुड़ी पहले भी जुड़ी हुई थी लेकिन बीच में थोड़ा उनके संग एक और सत्संग इन्होंने रखा हो, तो ये मैंने कहा आपका शायद मिस कर दे, वीडियो में देख लेंगे ये सारा है। तो आपने जो इतना सुंदर आपने बताई उनके बारे में महाराज साहब, ठीक है कविता। हाँ जी मैं इनका शुक्रिया कर रही हूँ, इन्होंने अपना कीमती टाइम देके हमें दर्शन दिए, बात की। नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि संगत यही अमेरिका में ही होती है, ये हैं कविता ये अमेरिका में होती है, तो अभी आया करेंगी कभी जब भी समय इनको मिलेगा तो आया करेंगी। बहुत तो विश्राम की तरफ चले, कुछ कहना है कविता भी अपनी हाजिरी लगा के गई है, पहले इसने बड़ा भजन सुंदर गा के गई है, जगदीश जी वाले कमी अरदास। विश्राम दे मेरे अंग संग होए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो, मेरे मनो न विसरे वाहे गुरु। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम्भव भीर, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करें कल्याण सीता राम। मेरे मन बसियो राजा राम, मेरे मन बसियो श्रद्धा राम, मेरे मन बसियो हर भगवान, मेरे मन बसियो राधे श्याम, मेरे मन बसियो सब संत महान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। जय जयकार तेरी जय जयकार, बापू श्रद्धा राम तेरी जय जयकार, बापू हर भगवान तेरी जय जयकार, बापू सुभाष जी महान तुहाडी जय जयकार, तू ही माता पिता तू ही मेरा परिवार, तू ही माता पिता तू ही मेरा संसार, तेरी जय जयकार तेरी जय जयकार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, श्री राधे कृष्णा
राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधा राधा कृष्ण 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 सीता 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 राम 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 सीता राम राधे श्याम शरधा राम हर भगवान जी सीता 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 राम राम ओम सियापति रामचंद्र महाराज की जय राधे श्याम की जय सब संतन की जय ब्रह्मा विष्णु महेश जी सभी संत जन सभी अवतार सभी ऋषि मुनि सभी संत जन सभी देवियों की जय सभी देवताओं को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ओम बाबा मगनी राम जी महाराज की परम सेवक बाबा पानव देव जी महाराज की जो परमस बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा ही जय ओम बापू ठाकुर जी परमस बापू ठाकुर जी महाराज की वाटिका के सुगंधित पुष्प जन सभी संत जनों को कोटि कोटि प्रणाम और परमस बापू ठाकुर जी महाराज की सभी दरबारों को कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत का सभी परिवारों का कोटि कोटि प्रणाम और सभी दरबारों पे सुशोभित संत जन सबको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु सबकी दीर्घायु करना सबको स्वस्थ रखना ताकि उनके उनका आशीर्वाद सभी संगत के ऊपर बना रहे महाराज सभी संतों के घरों में सभी संगत के घरों में सुखों का वास करना दुखों का नाश करना महाराज कृपा करना और हम पे जो कृपा बनाई है सत्संग के साथ जोड़ा है बापू जी आप कृपा करके ये सत्संग के साथ जोड़ते रहना और आज का ये जो फल है हाँ हालांकि जरूरत नहीं हो तो खुद प्रभु के बच्चे आए थे बापू सुभाष जी महाराज जिनको हम आज याद कर रहे हैं उनके उनकी पुण्य आज जो दिन है आज उनके पुण्य स्मृति दिवस है उनका पुण्य बरसी है महाराज वो आज के सत्संग का फल उनको देना महाराज और आज उनके इस दिवस पे आज अमृतवाणी का पाठ शुरू किया और आप वही हर हफ्ते कोशिश होगी कि हर हफ्ते अमृतवाणी का पाठ भी किया करेंगे महाराज तो बस कृपा करें इस तरफ जोड़ के रखें महाराज सभी को स्वस्थ रखें परिवारों को सभी को ये आप नाम दान बख्शे महाराज प्रभु प्रीति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए कृपा आप सबकी बनी रहे सबको और आप एक बार फिर आपकी बेटी बापू दया किशन जी की पोती बापू सुहास जी महाराज की पुत्री आज प्रियंका पूजा ये जुड़ी है हमारे साथ सत्संग में इनको भी दीर्घायु करना महाराज कृपा करना इसके इनके घरों में सुखों का वास खुशियां प्रदान करना है और भी प्रीति बड़े परमात्मा के साथ हम सब की ये आपसे हम मांगते हैं महाराज यही अरदास है यही एक विश्वास है और जगदीश जी जो रेखा और जगदीश जी दोनों बड़े ये सत्संग से जुड़े हुए हैं उनकी तबीयत थोड़ी जगदीश जी की तबीयत थोड़ी सी नासाज है उनको आज हॉस्पिटल लेके गए हैं तो कृपा करना आप उनके अंग संग रह के जो भी तकलीफ है उसको दूर करना महाराज कृपा 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 जय जयकार करते हैं महाराज आज के जो हमें कोई ना अरदास करनी आती ना पाठ कर किसी तरह का कुछ पता नहीं है क्षमा करना क्षमा 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 करना महाराज अंतर जामी पुरख विधाते चरधा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते चरधा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूने ते प्यारे मिलना महाराज जी साहब जी ना मिले आप जी का पावन नाम चेतावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बोले सो
निहाल सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।